बाबन गोस्वामी महाराज नितलीला प्रभु शशिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज नितलीला प्रभु शशिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा सर्वप्रथम उन्होंने पुतना को बध किया। कारण था भगवान शिक्षा देते हैं अगर मेरे को कोई हृदय में बैठाना चाहते हैं पहले ये पुतना को सबसे पहले मार। पुत मतलब होता है पवित्र और नाम मतलब होता है पर जल्दी मत रहा कर घर में जल्दी वापस जाओ। हो सकता है गोकुल में कोई अनहोन हो सकती है। क्यों पुतना गई है और मारने गई है बच्चों को। सचमुच से जल्दी जल्दी श्री नंद बाबा नारायण को स्मरण करते हुए बोले हे नारायण तुमने ये लाला दियो है इसलिए तुम ही रखा करना। ऐसे स्मरण करते करते आ रहे थे और देखा सचमुच से पुतना गई पुतना को जला रहे थे। बोले क्या बात है। बोले पुतना आ गई थी। बोले ये वसुदेव लगता है बड़ा चुती से ये सही बता रहा था तुम जल्दी चले जाओ। बोले किसी तरह से बच गया लाला तो लाला मर ही जाता। इतने में जब श्री शंकर जी को पता चला कृष्ण अभी गोकुल में बाल गोपाल रूप में जन्म हुए अभी शंकर जी सोच रहे हैं मैंने तो भगवान की सारे लीलाओं को दर्शन की लेकिन भगवान होकर के अगर भूख लगे तो कृष्ण रोते हैं फिर मैया उनको दूध पिलाती हैं। विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया जसोदा अंगुल पकड़ करके उनको ठुमक ठुमक करके चलाना सिखा रही है। सारा दुनिया का कान पकड़ के जो बढ़ाते उठाते हैं अभी अगर कन्या थोड़ी सी अगर कोई नटखट कर दिया ना सीधा मैया कान पकड़ लेती है। बोले लाला तुमने मक्खन चोरी की। कृष्ण डर से बोल देते हैं क्या बोलते हैं। बोले मैया मोहरी मैंने ही मान खायो। कृष्ण डर से बोलते हैं। बोले प्रभु का तो बाल गोपाल लीला मैंने नहीं देखा लेकिन नंद बाबा ने बड़ी कड़ी पहरादार लगा था। बोले देखो एरे गरे व्यक्ति को मैं घुसने दूंगा क्योंकि जो पुतना आई थी बहुत सुंदरी जैसे लग रहा था कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ से उतर करके आई है लेकिन वो निकली राक्षसी। नंद बाबा बोले खबरदार एरे गरे व्यक्तियों को घर में घुसने मत दिया करना कड़ी पहरादार लगा दी। इतने में श्री भोले बाबा बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए आए। शंकर जी को क्या कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर लेकिन उनका नाम तो सत्यम शिवम सुंदर लेकिन शंकर जी का जो ऊपर का जो ड्रेस है ना बड़े असुंदर है। शंकर जी शरीर में कोई स्नो पाउडर कोई है अगुर चंदन कर्पूर कोई चीज नहीं लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं बहुत लगाते हैं। बोले कहाँ के कहीं पवित्र स्थान नहीं शमशान के बहुत लगाते हैं। बोले क्यों क्या उनको चंदन नहीं मिला है। नहीं शंकर जी शिक्षा देते हैं मेरे प्रभु बांके बिहारी राम को तो चंदन उनको लगनी चाहिए मैं तो उनका सेवक हूँ मैं ये सब चीज ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। और शंकर जी कौन है। बोले ये शंकर जी गुरु है। शंकर जी ये गुरु होने का नाते दुनिया को शिक्षा देते हैं। देखो जिस शरीर को तुम इतने सजाते हो ब्यूटी पार्लर में ले जाते हो जीव में ले जाते हो उसका परिणाम क्या। बोले दो मुठी राख है इसलिए उन्होंने कोई अच्छे जगह की राख को नहीं लगाते वो शमशान की राख को लगाते हैं। आप बैठते कहाँ पर शमशान को पास में बैठ जाते हैं। बोले क्यों वो देखते हैं ना सारा दुनिया को लेकर आते हैं राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य बोलते बोलते ले आते हैं और वो जलाते रहते हैं इसलिए एक वैराग्य को कहते शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य मतलब क्या है जो व्यक्ति उसको जलाने के लिए ले जाते हैं ना उनके हृदय में थोड़ी समय के लिए वैराग्य होता है। सचमुच से संसार में कुछ है ही नहीं संसार झूठा संसार है। कितने कमाया धमाया कुछ भी लिया नहीं और चिता ने उसको लेटा करके और उसको डंडे मार मार करके जलाया इसलिए थोड़ी समय के लिए उसको हृदय में वैराग्य आता है हैं। इसलिए शंकर जी सब चीज बैठ बैठ कर देखते रहते हैं भैया कैसे सब कुछ छोड़ करके जाता है और केवल राम नाम सत्य बोलते बोलते ले जाते हैं। इसलिए शंकर जी वहीं पर बैठ करके हर समय कहते महामंत्र जय जपत महेशा
इसलिए शंकर जी हर समय भगवान के नाम को शंकर जी जप करते रहते हैं। कहते शंकर जी की ड्रेस क्या है, शंकर जी कौन सा अलंकार पहनते हैं, है ना, कोई सोने चांदी कुछ नहीं पहनते, सरा शरीर में देखना सर्प सर्प है, ये सर्प कौन है, बोले शंकर जी के गुरु अनंत देव है, वो सांप साधारण सांप नहीं, वो अनंत नाग स्वयं है, ये शंकर जी के गुरु है। इसलिए शंकर जी शिक्षा देते, देखो अगर अलंकार पहनना है ना, गुरु जी की उपदेश को अलंकार रूप में धारण करो, जो तुम्हें भव बंधन से मुक्त करा कर ले जाएंगे। इसलिए शंकर जी को सर के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है, कोई जुई बेली चमेली ये सब फूल नहीं चढ़ती है, उनके सर के ऊपर में धतूरे और आकन, जो पेड़ कोई लगाते ही नहीं और जहरीले चीज है, शंकर जी के सर पर चढ़ते हैं। बोले क्यों, बेली चमेली ये सब फूल क्यों ग्रहण नहीं करते हैं, बोले जितने अच्छे फूल तो भगवान की सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि शंकर जी वैष्णवानाम जथा संभो, ये भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा। इसलिए शंकर जी संत होने का नाते, इसलिए वो बैठते कहाँ पर, हिमालय पर्वत गुफर में बर्फ पर बैठे हुए, वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, भैया मेरे पास में कोई आई नहीं, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, इसलिए बर्फ ऊपर बैठ करके भगवान की भक्ति भजन करते रहते हैं। लेकिन वो तो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने छुपा नहीं सके। बोले क्यों नहीं छुपा सके, बोले शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु उनके पास है। आप बता सकते हो शंकर जी के पास में सबसे पवित्र वस्तु क्या है, क्या है? हाँ सही बताया, इसलिए उनको जटा में श्री पतित पावन श्री गंगा उनकी जटा में सबसे पवित्र वस्तु को शंकर जी सर पर धारण करके रखा है। इसलिए शंकर जी जब उन्होंने श्रृंगार करते हुए गोकुल में आए, अलग निरंजन करते करते और नंद भवन में आए, और वहाँ पर एक कोई गोपी थी, तब शंकर जी ने पूछा, मैंने सुना है नंदक घर में के लाला भयो है, बोले लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है, बोले थोड़ी सी लाला को दर्शन करा तो, बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई, वो तो बड़ी सुंदरी लग रही थी लेकिन वो निकली राक्षसी, और तू तो देखने में ऐसी लग रहे हो, तेरे को देख करके मेरे जी घबरा गया, क्योंकि शरीर में सांप बिच्छू लटक और त्रिशूल पकड़े हुए, बोले तेरे को देख कर मेरा जी घबरा रहा है, और हमारा लाला तो अभी बहुत छोटा से है और जल्दी जल्दी उनके ऊपर नजर लग जाती, इसलिए बाबा सोना चांदी जो कुछ लेना लो, अपना रास्ता देखो, लाला का दर्शन नहीं होगा। उन्होंने मैया को जा करके बोल दी, मैया देखने के लिए आई तो, और शंकर जी को देख कर तो डर गए, बोले बाबा कहाँ बात है, बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा तो बढ़िया आशीर्वाद ने। एक गोपी बोले मैया वो जो बाबा आया ना वो त्रिशूल गाड़ कर कहीं पर बैठा हुआ है, वो कहता है लाला को दर्शन नहीं कराओगे तो हटने वाले नहीं। शंकर जी तीन दिन तक बैठे हुए थे, शंकर जी आप लोग नंदगांव जाओगे ना वहाँ पर एक जोगिया कुंड है, अभी भी शंकर जी वहीं पर है, शंकर जी वहाँ से नहीं गए, हटे नहीं, अभी भी जोगिया कुंड में शंकर जी बैठे हुए हैं। भले वो बोलता है लाला को दर्शन कराओ नहीं तो जाऊँगा नहीं, अरे मैया ने मोटी मोटी काजल लगा दी, सर पर काजल का बूंद लगा दी, काले कपड़े से ओढ़ करके गले में काला धागा बांध करके बड़ी कष्ट से उन्होंने शंकर जी को उन्होंने दर्शन कराया। जब एक झलक दर्शन कराए इतने में तो शंकर जी जो रो रहे थे ना शंकर जी हंसने लग गए, कृष्ण जो रो रहे थे कृष्ण हंसने लग गए, शंकर जी जो हंस रहे थे रोना शुरू कर दिया। मैया समझ गई ये बाबा कुछ जानता है, क्योंकि अभी तक तो कृष्ण रो रहा था लेकिन कृष्ण का रोना तो खुद ले लिया और अपना हंसना उसने कृष्ण को दे दिए, ये जरूर कुछ जानता है। अगर माताओं को पता चले ना भैया ये हाथ देखना जानते हैं, नहीं तो कोई जादू टोना जानते थे ना, सब घेर जाते हैं, बोले बाबा बाबा तेरे कोई जादू टोना आता है, बोले और क्या, बोले बता दो हमारे जो कन्या है ना बड़ी जल्दी इनको नजर लग जाती है, नजर उतारने का कोई उपाय है,
बोले अगर एक काम करोगे ना कभी नजर नहीं लगेगा, बोले बता दो। बोले जब तुम्हारी लाला को तुम स्नान कराओगे वो चरणामृत को मेरे सर पर डालते। बोले बाबा सो कर लूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले जब तुम्हारी लाला को कोई चीज भोग लगाओगे, खाना खिलाओगे, वो पतल में जो बचा हुआ चीज इसको ला करके मेरे को दे देना, कभी भी नजर नहीं लगेगा। कभी ये 5,500 साल की कथा, अगर अभी आप नंदगांव जाओगे ना, देखोगे सीधा कृष्ण के मंदिर से अभी वो शंकर है, वो नंदीश्वर महादेव है, सीधा कृष्ण का जब स्नान कराया जाएगा वहीं से एक नाली आई है और शंकर जी के सर के ऊपर में कृष्ण का जो चरणामृत है वो गिरता है। क्योंकि गंदा कौन है जो भगवान की चरणामृत है, ठाकुर जी के चरणामृत है। इसलिए देखना जो कांवर होते हैं ना, जो कंधे पर पानी ले जाते हैं शंकर जी को डालने के लिए, गंदा पानी। बोले क्यों? बोले गंदा भगवान की चरणामृत है। इसलिए शंकर जी को सबसे प्यारा है ठाकुर जी की चरणामृत, और ठाकुर जी की प्रसाद सबसे शंकर जी को प्यारा है। इसलिए आप लोग भी कोई भी चीज हो, देखो कभी कभी हम लोग हनुमान जी के लिए लड्डू बनाते हैं, सवा मन के लड्डू बनाएंगे और हनुमान जी को लेकर के भोग लगाते हैं, और कोई कोई तो हनुमान को मुंह में लेकर ठोसते हैं, बोले लड्डू खाओ। भैया हनुमान क्या भूखे हैं तुम्हारे लड्डू खाएंगे? एक मन क्या, करोड़ों मन भी बना दो हनुमान को सामने रखो ना, वो खाने वाले नहीं। क्यों? बोले हनुमान जी कौन है? बोले राम के सेवक है। जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं? राम के चरण में बैठे हुए होते हैं। जब तक भगवान राम नहीं खाएंगी, जब तक माता जानकी नहीं खाएगी, जितने लड्डू बनाकर दो हनुमान खाने वाले नहीं। लेकिन अगर राम जानकी को भोग लग गया ना, फिर देने का जरूरत नहीं, हनुमान लपक कर खा लेते। इसलिए नियम है, हनुमान जी कौन? शंकर ही हनुमान है, हैं? इसलिए कोई भी चीज हो पहले शंकर जी को भी मत दो, माता देवी को भी मत भोग लगाओ, और हनुमान जी को नहीं पहले कृष्ण हो, नहीं तो राम हो, नहीं तो श्री विष्णु हो। ये तीन विष्णु तत्व है, पहले इनको भोग लगाओ, फिर ये प्रसाद, फिर दूसरे दूसरे देवादेवियों को ये प्रसाद दो। वो लोग बड़े प्रसन्न होकर के ठाकुर जी की प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अभी कृष्ण धीरे 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 कृष्ण बड़े होते जा रहे हैं। जब कृष्ण धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे, एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी, और दूध पिलाते समय मैया जसोदा तो डर गई। बोले क्यों डर गई? बोले ये राक्षस लोग बिना कारण के कारण मेरे लाला को पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैया बहुत डर गई थी, और एक दिन कृष्ण इतने दूध पी रहे थे, हर माता को पता रहता है मेरे लाला कितने दूध पीने से पेट भर जाएगा, हर माता जानती है। अगर बच्चा अगर ज्यादा दूध पी लेना, आप देखना पेट बदलाव जाता है। मैया तो डर रही थी, आज कन्या दूध पीना बंद ही नहीं कर रहा, दूध पीते 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 ही दूध जा रहा है, हो ना हो मेरे लाला को पेट खराब नहीं हो जाए। इतने में कृष्ण ने थोड़ी सी जंभाई ली, थोड़ी सी उन्होंने जंभाई ली तो छोटी सी मुंह में अनंत कर्ण विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दर्शन किया। कृष्णा बोले, कृष्ण शिक्षा दे रहे, बोले माँ तू ये सोच रही हो तेरे दूध को मैं अकेले पीता हूं? नहीं मैया, तेरे दूध से तो दुनिया पल रहे हैं। क्यों? तू माँ जसोदा है, दुनिया की तू तो माँ जगत की। देख माँ ये विश्व ब्रह्मांड ही तेरे दूध से पल रहे हैं। और दूसरा कारण है, बोले मैया डरने का कोई बात नहीं, तुम ये मत समझो मैं छोटे से लाला हूँ। नहीं मैया, ये विश्व ब्रह्मांड को पालन करने वाला मैं हूँ, इसलिए डरने का कोई बात नहीं। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को, अब देखना जैसे माताएं कभी कभी बच्चे को उछालती हैं, ऐसे उछालती ना कभी कभी, एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को ऐसे उछाल रही थी। उछालते समय कृष्ण सोच रहे थे क्या कर रही है मैया, ये थोड़ी सी ऊपर उछाल रही है, जब थोड़ी सी बड़ा होगा ना घर घर में मैं मक्खन चोरी करूंगा, अरे कम से कम पता चले तो ब्रज में कितने गली कहाँ जाना नहीं जाना ये तो पता चले। मैं तो चाहता हूँ थोड़ा आकाश में उड़ करके चला जाऊं और गली गलियों को देख लूं। इतने में कृष्ण इच्छा से
श्री कंस ने एक दैत्य को भेजा जिसका नाम था तृणाव्रत। वो तृणाव्रत दैत्य आंधी तूफान बनकर के आ गया। कृष्ण ऊपर देखा, बोले भैया मामा जी आ गए हैं, ये मामा जी तो जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन अगर मेरे को ये उड़ा करके आकाश में ले जाएगा मैं तो अपने आप को मैं रक्षा कर लूंगा, लेकिन ये मैया फिर क्या करेगी। कृष्ण अपना भोजन को इतने बढ़ाया, इतने बढ़ा दी, मैया बोली ये क्या हो गया, इतना छोटा सा लाला इतने भोजन कैसे हो गया। मैया तो गोद में रख नहीं पाया, कृष्ण को लेटा दी। इतने में तृणाव्रत आंधी तूफान रूप में आया और कृष्ण को पकड़ करके एकदम आकाश में उड़ा दिया। और कृष्ण की इच्छा थी ना थोड़ा कोई एरोप्लेन आ जाए, थोड़ा एरोप्लेन में थोड़ा घूम लो, बस तृणाव्रत को उन्होंने एरोप्लेन बना करके पूरा ब्रज मंडल में घूम गए। अभी लैंडिंग करना पड़ेगा, अभी नीचे उतर के कैसे उतर। इतने में देखना बच्चों का क्या स्वभाव है, अगर ज्यादा बच्चे को आप ऊपर में उछाल दो वो बच्चा डर जाता है। इतने में उसने किया कि तृणाव्रत गले को उसने दबा दी, कृष्णा दबाया तो इतने में तृणाव्रत धड़ांग करके गिरा, और ऐसे धड़ांग करके गिरा कि चकना शुरू हो गया। फिर मैया देखा थोड़ी दूर में कृष्ण पड़ा हुआ, फिर मैया ने कृष्ण को ला करके दूध पिलाए, फिर गैया की काली गैया की पूछ से उन्होंने झाड़ लगवाया। यहाँ पर कृष्ण शिक्षा देते हैं, जब कोई हम भगवान की भक्ति करते हैं हमारे जीवन में भी कभी कभी आंधी तूफान आ जाती है, बड़े बड़े आंधी तूफान आ जाती हैं। अगर प्रभु की भक्ति कर रहे हो, अगर थोड़ी सी जीवन में कोई दुख कष्ट आ जाए ना, फिर तो कहते देखो हम ठाकुर जी की इतने भजन किया, भक्ति किया, देखो ठाकुर जी हमारे साथ में क्या किया, ठाकुर जी हमें ये दुख कष्ट दिया है। कभी कभी हमारे जीवन में भी बड़ी बड़ी आंधी तूफान आ जाती हैं। देखो आपके लिए छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु का कथा है। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त थे जिनका नाम था श्रीवास पंडित। कहते नारद जी के अवतार है, श्रीवास कैसे नारद जी की अवतार है। महाप्रभु रोज उनके घर में भक्तों को लेकर के नित्य कीर्तन करते थे, लेकिन उनको एक ही बेटा था। जब महाप्रभु उनके घर में कीर्तन नित्य कर रहे थे, अर्थात उनको जो एक बेटा ने शरीर छोड़ दिया, जब शरीर छोड़ दिया घर के जितने माताएं सबके सब ढेर करके सबके रो गए। जब रो रहे थे, अभी महाप्रभु भक्तों को लेकर घर में कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कीर्तन कर रहे थे, इतने में श्रीवास पंडित ने देखा घर के जितने माताएं रो रही हैं, तो उन्होंने कीर्तन को प्रणाम करते हुए बाहर गए। देखा तो उसका जो एक बेटा ना वो मरा पड़ा हुआ। श्रीवास पंडित ने पूछा भैया ये क्या है, क्यों रो रहे हो। बोले तेरा एक ही बेटा शरीर छोड़ दिया। देखो उसने क्या कहते हैं, बोले देखो ये बेटे को दिया किसने, बोले ठाकुर ने दिया। बोले लिया किसने, बोले ठाकुर ने लिया। जब ठाकुर जी दिए और ठाकुर जी लिए, फिर बीच में तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। देखो ये बेटा का कितना सौभाग्य है, एक दिन तो मरना ही है, कोई नहीं बोल सकते हम मरेंगे नहीं, एक दिन सबको शरीर छोड़ना, लेकिन साक्षात भगवान घर में कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर का कीर्तन भजन हो रहा है, भगवान की कीर्तन सुनते सुनते उसने शरीर त्याग दिया। कितने भाग्य है इसकी, खबरदार रोना नहीं, अगर रोगे ना महाप्रभु का कीर्तन में कोई अगर बाधा आएगा तो बेटा तो गया ही गया, मैं भी गले में पत्थर बांध करके मैं भी गंगा में डूब मरूंगा, इसलिए किसको रोना नहीं। अभी फिर आकर के महाप्रभु साथ में कीर्तन करने लग गए, लेकिन महाप्रभु तो घटघटवासी, वो तो सब जानते हैं। महाप्रभु बोले लगता है आज ये श्रीवास का घर में कुछ अनहोनी हो गई, क्योंकि मेरे मन में आनंद नहीं आ रहा है। इतने में श्रीवास पंडित छलांग लगाते हुए बोले प्रभु आप जब स्वयं जिस घर में आप हो वो घर में कभी बाधाएं आ सकती हैं। इतने में श्री अद्वैत आचार्य एक भक्त बोले बोले प्रभु इनका जो एक लौता संतान था ना उसने शरीर छोड़ दिया। महाप्रभु तो रोने लग गए, हाँ महाप्रभु रोने लग गए, बोले मेरे प्रेम के लिए अपना पुत्र शोक को क्यों उन्होंने, हाँ पुत्र शोक को भी त्याग दिए। महाप्रभु बोले देख श्रीवास तुम्हारी एक संतान मराना, आज से हम तुम्हारे दो संतान हैं, कौन है, मैं और नित्यानंद प्रभु।
बोले बलराम और कृष्ण, बोले आज से हम तुम्हारे दो बेटे बन गए, भगवान उनके दो बेटे बन गए। वो जो बच्चा मरा हुआ था, महाप्रभु गए और उसको छाती के ऊपर हाथ रखे, हाथ रखते ही बच्चा फिर जिंदा हो गया, वो बच्चा फिर जिंदा हो गया। फिर महाप्रभु वो बच्चे को प्रश्न कर रहे हैं, बोले बेटा तुम कहाँ चले गए हो, तुम कहाँ चले गए थे? बोले ठाकुर जी बड़े भाग्य से हैं, बड़े भाग्य से कहीं आपका भक्तों के घर में हमारा जन्म लिया है और जन्म से ही आपका कीर्तन कथा और हमने आपकी भजन हमने सुना, हम बड़े सौभाग्यवान हैं, बड़े भाग्यवान हैं। कल तुम गया कहाँ? बोले आप तक तो, आप जब तक मेरे को यहाँ पर रखे तब तक रहा, आपने जहाँ भेज दिया फिर मैंने वहीं चला गया। तब वो बच्चा कहता है, बोले प्रभु कौन मरता है? ये शरीर ही मरती है, ये आत्मा मरती नहीं, ये शरीर केवल मरती है, ये जो आत्मा है ये न जायते न मृयते अजो नित्य शाश्वत, ये आत्मा है। जैसे एक कपड़ा जो पुराना हो जाए, हम ये कपड़े को छोड़ करके फिर हमने एक नए कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह ये जो आत्मा है ये शरीर पुरानी होने पर इसको छोड़ करके फिर ये शरीर एक फिर नया शरीर को धारण करता है, लेकिन तत्वतः ये शरीर मरती है लेकिन आत्मा नहीं मरती। ये जो आत्मा है बोले नैनम छिंदति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकती, नैनम दहति पावक, इसको आग जला नहीं सकती, ये पानी उसको भिगा नहीं सकती है, हैं? ये वायु उसको सुखा नहीं सकती है, ये आत्मा तो नित्य शाश्वत ये आत्मा है, आपने जहाँ पर भेज दिया फिर मैंने वहीं पर चला गया। प्रभु ये संसार को एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर श्रीवास पंडित जी पुत्र चले जाने पर भी कद भगवान ने दिया, ठाकुर ने दिया, बीच में हम क्यों रोए, हम क्यों रोए, लेकिन अपना प्रभु का भजन नहीं छोड़े, भक्ति नहीं छोड़े। लेकिन ये हमारे जीवन में अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर थोड़ी मोड़ी कोई विपत्ति आ जाए ना, देखना भले ही कोई चीज छोड़े नहीं छोड़े, पहले वो माला भजन छोड़ देगा, खाना नहीं छोड़ेगा, घूमना नहीं छोड़ेगा, सब और कोई चीज नहीं छोड़ेगा, भगवान की भक्ति छोड़ देगा, ठाकुर की भक्ति छोड़ने के लिए हम पहले बैठेंगे। इसलिए कहते हैं हमारे जीवन में कभी कभी ये तृणा व्रत भी कभी कभी आंधी तूफान रूप में आ जाएंगे, लेकिन जो कुछ आने पर भी जो पक्के भक्त है ना, लेकिन प्रभु का भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, प्रभु की भक्ति कभी हमें नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कृष्णा धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे, जब कृष्णा थोड़ी से बड़े हुए एक दिन मैया जसोदा ने देखा लाला ने वो अपनी बार उन्होंने करवट लिया है, मैया को तो बड़ा खुश हो गया, मेरे लाला को शरीर में ताकत आ गया, इसलिए आज लाला करवट लिया। आज घर में ये करवट लेने का आज घर में हम उत्सव मनाएंगे। उनने अड़ोसी पड़ोसी जितने माताओं को घर में बुला दी, अपना आंगन को साफ सुथरा कर दी, जितने दूध दही मक्खन एक बैलगाड़ी के ऊपर रख दी और कृष्ण को भी उसको बैलगाड़ी के नीचे सुला दी। बोले क्यों? बोले अभी गोपियाँ आएगी, कीर्तन करेगी, गीत गाएंगी, लाला का कच्चा नींद अगर टूट जाएगा तो रोएगा। अभी तो घर में तो बहुत सारी माताएं आएगी ना, अभी किसको लेना क्या देना है, अभी कृष्ण को वहाँ सुला करके सब बैठ करके कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रगताला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रगताला, आगो कुल में आयो नंद लाला, आगो कुल में आयो नंद लाला, आगो कुल में आयो नंद
पलटी कैसे, लेकिन कृष्ण के छोटे छोटे सखा लोगों ने
वहां पर थे और उन्होंने देखा था कृष्ण के चरण के स्पर्श से ही उस पलटी गई। लेकिन सखाओं ने तोतली तोतली बोली से तो बोले, लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ। कहते मैं लाला अभी 3 महीना की और इसकी चरण की ठोकर से गाड़ी पलट जाएगी। और घर का जितने सामान को क्या किया, बोले दूध दही को रख दिया था ऊपर और कृष्ण को लेटा दिया नीचे। भगवान शिक्षा देते हैं, अगर हम घर में कोई उत्सव कर रहे हैं, अगर वो उत्सव से भगवान को निकाल दे, अलग कर दे, और घर गृहस्थी वस्तुओं को तो मुख्य कर दे, और भगवान को कर दे गौ, भगवान को कर दे गौ, और साधारण काम को कर दे मुख्य, भगवान कहते भैया इसे ठोकर मारूंगा ना, सब तसनस कर दूंगा। हम लोग कभी कभी जैसे शादी हो रही है, बच्चे का सालग्रह मना रहे हैं, देखना सारा दुनिया को बुलाएंगे, उल्टा पुल्टा खिलाएंगे, उल्टा पुल्टा पिलाएंगे, लेकिन जिसने तुम्हें सब कुछ दिया वो घर में चुपचाप बैठा हुआ, उसके लिए उसको के लिए कोई भोग नहीं लगाएगी। दिन में अपना कपड़े को 3 बार बदलाते हैं, लेकिन ठाकुर जी एक कपड़ा पहन करके 15 महीना से ठाकुर तो एक कपड़ा पहन कर बैठ गए। और जिसने तुम्हें दिया सब कुछ तुमको दिया, उसके लिए कोई सेवा की, उसको खिलाने का कोई चिंता नहीं, उसको पहनने का कोई चिंता नहीं हमारी। भगवान कहते नहीं, कहते उत्सव, उत मतलब होता है निकाल देना। अगर भगवान को कोई उत्सव तक अगर भगवान को निकाल दिया तो वो हो जाएगा सब। सब मतलब होता है मरा हुआ, वो सब है मरा हुआ। हम वो भूतों का नृत्य है, इसलिए घर में कुछ भी हो अपना बेटे के लिए पहले कपड़ा लाना चाहते हो, बेटे के लिए मत लाओ, पहले ठाकुर जी के लिए लाओ। भगवान के लिए घर में कोई कपड़ा नहीं, ये चीज को देखो, अपना को सजाने से पहले भगवान को सजाने के लिए कोशिश करो। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे अपना शरीर को सुंदर श्रृंगार करो, अच्छे तरह से सजाओ, आप शीशा को सामने खड़े हो जाओ, आप देखना अपना शरीर को जैसे सजाओगे, जो परछाई है ना वो अपने आप सज जाती है, वो परछाई को सजाने का कोई जरूरत नहीं, केवल शरीर सजाओ परछाई सज जाती है। कहते उसी तरह अगर हम भगवान के घर में उनको ठीक से सेवा पूजा करो, उनको खिलाओ पिलाओ, अगर घर में ठाकुर जी प्रसन्न रहे ना, देखना घर में खुशियाली बनी रहेगी, घर में शांति सुख रहेगी। लेकिन अगर भगवान के लिए सेवा के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, केवल अपना शरीर को ही सजाओ, दिन भर इसको खिलाओ, ठाकुर से कोई संबंध मत रखो, कहते भले ही घर में अरब खरब रुपया घर में आ जाए, देखना वो घर में शांति से नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं पैसा से, पैसा कौन है ये चीज को अच्छे तरह से समझो, हर चीज को हम पैसा से करते हैं। पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी हमारी नहीं, ये लक्ष्मी नारायण की है, ये लक्ष्मी को हम भोग नहीं कर सकते हैं। अगर ये लक्ष्मी को भगवान को सेवा में नहीं लगाओगे, अगर खुद भोग करने चाहोगे, भले ही लक्ष्मी घर में आएगी लेकिन ये घर में शांति सुख नहीं देगी, घर में लड़ाई झगड़ा अशांति, घर में दुख कष्ट इतने भर देगी, घर में मामला मकदमा को इतने लगा देगी, दिन भर उसी परिसर में बैठेगी और सारा दुनिया को खिला रहे पिला रहे, सारा दुनिया को स्वागत करते हैं, सारा दुनिया को स्वागत करते हैं। इसलिए ये लीला में शिक्षा देते हैं, पहले भगवान को करो फिर दुनिया के लिए करो, फिर तो ठीक ठाक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, जब कृष्ण बड़े हुए, अभी जैसे बच्चा छोटा होता है ना, हम जिसकी मन में जो इच्छा होता है हम बच्चे को ऐसे ही बुलाते रहते हैं, लेकिन नियम है बच्चा का नामकरण सही सही हो जानी चाहिए। जब नामकरण हो जाए उसको 10 तरह का संस्कार है, वो एक नामकरण संस्कार है। अभी कृष्णा और बलराम प्रभु का नाम संस्करण नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, नंद बाबा तो सोच रहे हैं लाला मेरो है, लेकिन वसुदेव महाराज क्या सोच रहे, बोले लाला मेरो है क्योंकि मैंने राता रात वहाँ पर रत रखा है, लेकिन वसुदेव महाराज क्या सोच रहे हैं ये लाला मेरो है। एक दिन श्री वसुदेव महाराज गर्गाचार्य को बुलाए, वो बड़ा विद्वान है त्रिकाल दृष्टा, बोले गर्गाचार्य जी आपको पता है ये कृष्ण मेरा लाला है, लेकिन मैंने राता रात वहां पर रख करके आया, लेकिन नंद बाबा सोच रहे लाला मेरो है, ये दोनों सोच रहे लाला मेरो है, लेकिन दोनों का ही लाला कृष्ण है, दोनों का ही लाला। अभी वसुदेव महाराज सोच रहे हैं, देखो
पहले ये नियम होता था जो बच्चे को नामकरण कराया करते थे, ऐसे नहीं मुंह में जो कुछ आए टुल्लू बुल्लू टिक्की फिक्की रख ले, ये सब नहीं होता था। पहले उसका जन्म पत्री बनती थी, कौन सा समय पर उसने जन्म लिया, वो जन्म पत्र देख करके कोई एक अक्षर निकालते थे, वो अक्षर को पहले रख करके भक्त नहीं तो भगवान इनकी किसी नाम को रखते थे। जैसे आप लोग ने पहले अजामिल का नाम सुना, उसने कैसे छोटा बेटा का नाम नारायण रख लिया था, इसलिए उसने नारायण बोलते बोलते अंतिम समय में उसने कैसे अपना बेटे को उसने नारायण बोल दिया। मुंह से एक बार भगवान के नाम निकला तो ठाकुर का नाम निकला तो उसी से उसको मुक्ति हो गई। इसलिए पहले इधर उधर का नाम नहीं रखते थे, हैं इधर उधर का नाम रखते थे ठाकुर, नहीं तो भक्तों का नाम रखते थे। और मनमानी भी नहीं रखनी चाहिए, ऐसे उल्टा पुल्टा मुंह में जो आ गए नाम नहीं रखनी चाहिए। अगर बगैर मेनुअल का अगर मशीन चलाओगे खराब हो जाएगी। इसलिए जिसने ये दुनिया बनाया उसने एक मेनुअल भी बनाया, उसने क्या मेनुअल बनाया, बोले रामायण बनाया, भगवान राम स्वयं करके आए, कैसे पिता माता की सेवा करनी चाहिए, पिता का आज्ञा कैसे पालन करनी चाहिए, पति पत्नी में संबंध कैसे होनी चाहिए, पिता माता को कैसे आदर दो, परिवार में कैसे रहो, भाई भाई में कैसे प्रेम, पति पत्नी में कैसे प्रेम होनी चाहिए, भगवान ने सब चीज सिखा दिया है। गीता ये मेनुअल बनाया है, महाभारत कद भागवत सब मेनुअल ठाकुर ने बनाया। अगर इसको पढ़ करके अगर हम घर खर्च कर लेते हैं, अभी ये मेनुअल कुछ पहले पिता माता देख कर करते थे सब कुछ, अभी ऐसे नहीं, तभी इतना डाइवोर्स भारत में 50% डाइवोर्स हो रहा है। किस लिए हो रहा है ये सब चीज को, हमने ग्रंथ भ्रंथ से कोई मतलब नहीं, अपना मनमानी चलना चाहते। लेकिन पहले बड़े बूढ़ों को पूछो कोई डाइवोर्स नाम सुने, डाइवोर्स नाम कोई डाइवोर्स नाम था नहीं, भारत में 50% अभी डाइवोर्स हो रहे हैं। कारण क्या, बोले कारण यही है हमने ये शास्त्र ग्रंथों को कोई मतलब नहीं रखते। जितने विदेशी कल्चर है, पहले बता रहा था ना, सूर्य जब पूर्व दिशा में उदय होकर के पश्चिम दिशा में अस्त हो, ये नियम है, ये भारत पूर्वी है, वेस्टर्न कंट्री पश्चिम है। लेकिन अगर पश्चिम का सूर्य उदय होकर अगर पूर्व में आए, सर्वनाश का कारण है। मतलब है पश्चिम का जो कल्चर, अगर हम पूर्वी देश है, हम लोग ऋषि मुनियों का देश, हमारी देश में ऋषि मुनि जन्म हुए, अगर पश्चिम का कल्चर अगर पूर्व में आए तो डूबने वाले, ये भारत डूबने वाली है, उतरने वाले नहीं डूबने वाले भारत है। इसलिए हमें वेस्टर्न कल्चर को ग्रहण नहीं करनी चाहिए, हमें अपना भारतीय संस्कृति को, हमें अपना जीवन में भारतीय संस्कृति को अपनानी चाहिए। इसलिए अभी अंग्रेजी लोग अभी धीरे धीरे उसको वेजिटेरियन बन रहे हैं। वृंदावन में जाओ, स्कूल मंदिर में देखना, स्त्रियों का तोके साड़ी पहने हुए, गले में कंठी, हम तो जीन्स पहनने के पागल हो रहे हैं, वो अभी साड़ी पहनते हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं सरकार से, हम साड़ी पहन करके क्यों नहीं जाए कॉलेज स्कूल क्यों नहीं जाए, वो लड़ाई कर रहे हैं सरकार से, और हमारी बेटा बेटी बोले जीन्स पहन करके क्यों नहीं जाए, बोले इतने उल्टा पुल्टा हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए गर्गाचार्य को वसुदेव महाराज बुलाए, बुला करके बोले आपको एक काम करोगे, बोले क्या है, बोले और जा करके आपको पता कृष्ण मेरे लाला है और मेरे लाला का नामकरण करना, और जब नामकरण करोगे ऐसे ऐसे करना जैसे बेटा का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ हो। इसलिए पहले जब नामकरण होता था, देखो जैसे बेटा कौन होता है जो पिता का नाम रखता है दुनिया में, हम कहते ना बेटा ऐसे हो जो पिता का नाम को उजाला करे, बेटा तो यही होता है ना जो खानदान को रक्षा करता है। पहले कैसे नाम होता था, जब कोई नाम होता था वो बेटी हुआ रा और मां, कृष्ण जैसे देखो कृष्ण का पिता का नाम बोले नंद बाबा है, श्री नंद, इसलिए नाम में जो न है वो नंद बाबा से लिए है, कहते उनको जो पिता बोले परिजन, इसलिए प रा खेर लिया वहां से, इसलिए क्री में जो री मात्रा है वो वहां से लिया। इसलिए पहले जब नामकरण होता था वो नाम में चाहते थे पिताजी और उसको पिताजी दोनों का नाम ये नाम में रहे, जो कि हमारा बच्चा खानदान को उजाला करे, पिता के नाम को रोशन करे जगत में, पिताजी की जय जयकार, ये सब नियम होता था।
इसलिए उन्होंने प्रार्थना की मेरे बेटे का ऐसे एक नाम रखियो जो नाम रखने पर मेरे नाम भी उसमें आए। गर्गाचार्य बड़े खुश हो गए, बोले अहो भाग्य हमारी है, आज भगवान का नाम करने जा रहा हूँ, ठाकुर जी को गोद में बैठाऊंगा, ठाकुर जी नन्हे नन्हे चरण हैं, अब ठाकुर जी ठीक से खड़े होना भी नहीं जानते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को गोद में लेते हो ना, दाढ़ी पकड़ता है, बाल पकड़ता है, नोचता है, और साक्षात भगवान को जो गोद में लेगा, कहते मेरे कितने सौभाग्य है। गर्गाचार्य बाल दृष्टा सब कुछ उन्होंने देखा, देख करके बोले बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमया न सुहीद गुणई, बोले इसका एक नाम होगा बलराम, बोले राम इसीलिए इनका होगा नाम, सबको जो आनंद देगा, सबका हृदय में जो रमण करेगा, इसलिए इनका नाम होगा राम। लेकिन बलाधिक्यात बलम बिंदु, बड़ा बलवान होगा, हाँ बड़े बलवान होगा, इसलिए इनका नाम होगा बल राम नाम होगा। लेकिन इसका दूसरा नाम संकर्षण होगा, बोले क्यों, पहले ये देव के गर्भ में आए और योग माया ने उनको आकर्षण करके उन्होंने रोहित ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय हो रहा है, अभी तो उस चक्कर में पड़ गए भैया इनका नाम क्या रखे, अभी आंख खोल नहीं रहे थे, इतने में नंद बाबा तो बड़े उतावला हो रहे थे, छोटा लाला का नाम क्या होगा, उन्होंने हाथ को पकड़ करके हिलाए, अरे बताओ ना मेरे लाला का नाम क्या होगा, तब गर्गाचार्य कहते हैं बोले आसन वर्णास्त्रयजस्य गृह्णोत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गत, बोले नंद बाबा तेरे जो लाला है ना, ये हर युग में तेरा लाला आता है, सत्य युग में इसने शुक्ल वर्ण धारण करके आया और जगत में धर्म को उन्होंने ध्यान को उन्होंने स्थापन किया, तृतीया युग में रक्त मूर्ति धारण करके आए और द्वापर युग में कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके नव द्वीप में आएंगे और इदानी अभी कृष्ण काम करता, अभी ये कृष्ण रूप धारण करके लिए आए, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, कहते इनका नाम कृष्ण नाम क्यों, कृष्ण नाम का बहुत अर्थ होता है, कृष्ण मतलब होता है सुंदर, कृष्ण मतलब होता है, कभी सत्य युग में देश में अकाल पड़ गया, तुम्हारे बेटा ने आ करके, इसलिए कृष्ण कहते हैं ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजामि, तुम्हारा बेटा हर युग युग में आ करके जब जब जगत में पृथ्वी को ब्राह्मण स्त्री को पर अत्याचार होता है, भगवान युग युग में आकर के धर्म को रक्षा करते अधर्म को विनाश करते हैं, तेरे बेटा का नाम रूप गिना का कोई था नहीं, इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंत है। जब इस सब बात को बता रहे थे वो आएगा कितने शादी होगी घर में बहू कैसे आएगी, ये बात तो बताए, ये बात नहीं बता रहे हैं, अरे युग युग से ये हो रहा है, अरे हमारा क्या मतलब है युग युग से। इतने में श्री नंद बाबा श्री गर्गाचार्य एक श्लोक बोले, देखो एक श्लोक का दो अर्थ होगा, देखो उस श्लोक है बोले बहुनी संति नामानी, वो कह रहे हैं तुम्हारी बेटा का बहुत नाम रूप गुण होगा, लेकिन मैया जसोदा तो भोली भाली हैं, भोली भाली, वो मन मन में अर्थ लगा रही है बोले बहुनी संति, शायद ये पंडित जी कहते हैं तुम्हारे जो लाला है ना इनकी बहुत सारी बहू होगी, बोले कोई बात नहीं जितना बहू होगी उतना तो सास की सेवा करेगी ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कृष्ण जब वृंदावन में गए एक तो राधा रानी थी, फिर उनका अष्ट सखी ललिता विशाखा चंपकलता तुंगभद्रा चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी हैं रूपमंजरी रक्तिमंजरी, प्रभु जब रास करते हैं कहते एक करोड़ गोपियों के साथ में, और कृष्ण जब द्वारका गए फिर तो उनको 16108 बटरानियों से शादी हुई, क्योंकि पहले ये नियम होता था, आप लोगों ने शादी किए हो, कौन कौन शादी किए हो, शादी किए ना, आप देखना जो शादी किए एक पत्नी को खुश करना कितना कठिन है, अभी तो किसने अपना पत्नी को खुश करता है ना, पति को खुश करता है, एक पत्नी को साथ में अगर शादी करके किसी तरह से एक जीवन बीत जाए ना, समझो गंगा में नहा लिया, गंगा नहा लिया, अगर एक पत्नी को अगर पाल नहीं कर पाए
पहले नियम होता था जो जितने राजा जितने पत्नियों को शादी करती थी जगत में उतना नाम होता था। भैया एक पत्नी को पालन करना कितने कठिन और इतने पत्नियों को जो संभालते ही, इसलिए दुनिया में नाम होता था जो इतने पत्नियों को साथ में रह करके जो उनको प्रसन्न रख पा रहे। एक पत्नी को प्रसन्न रखना कठिन है और इतने सारे पत्नी को नाम पहले होता था, गौरव होता था कि राजा की इतने पत्नी घर है। इसलिए बोले तुम्हारी जो बेटा है ना बहु नी संति, इसकी बहुत बहु हो खुश हो गई भैया। संति नामानी इसका जो नाम है, इतने नाम है। देखो हमारे संतो प्रश्न की। बोले ये पुरोहित ने बच्चे का नाम क्या रखा है? बोले बड़ा बेटा का नाम रखा बलराम और छोटा बेटा का नाम रखा कृष्ण। बोले नाम तो बड़ा सुंदर है लेकिन ये कृष्ण नाम ऐसे टेढ़े हैं, जब तक तीन बार जीवा नहीं पलट जाए ना, देखना ये कृष्ण नाम नहीं उच्चारण होता है। बोले ये जन्म पत्री में ये नाम रहे लेकिन घर में हम लोग अपना मन से एक नाम रख लेते हैं। बड़ा बेटा का नाम रख देते बलुआ और छोटा बेटा का नाम रख लेते कन्नुआ, इसलिए कन्नुआ बलुआ बोल करके हम ये नाम को हम बुलाया करेंगे। बोले श्री कन्नुआ बलुआ की। अभी कृष्ण और धीरे 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 जो बड़े हुए, अभी कृष्ण सोच रहे हैं बोले ब्रज में जो व्यक्ति आए ना सबके सब एक चीज की प्रार्थना करते हैं, बोले राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। जो ब्रज में आए इसलिए रसखान कहते हैं भैया ब्रज में आकर के दो चीज जरूर करनी चाहिए। बोले दो चीज क्या है? बोले रमण रेति ले तो नहीं कियो ना जमुना पा, जरूर ये दो चीज करना। पहले तो रमण रेति में ब्रज रज में पहले जाकर के लोट फुट खाओ, क्योंकि जो ब्रज रजे है वो साधारण वस्तु नहीं है। जिनके रज को ब्रह्मा शंकर नारद भी जिनकी रज के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए उद्धव जब ब्रज में आए ब्रजवासियों का प्रेम देखा। उद्धव जैसे व्यक्ति कहते हैं आशा महो चरण रेणु जुसा महंस्या वृंदावन किमपि गुलमलतो सुतना। उद्धव जी कहते हैं कि आप ब्रज में
मैं कहीं घास भूसा होकर जन्म ले ले पाऊंगा। बोले क्यों? बोले अगर घास रूप में जन्म, जब गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए जाएगी चल करके जाना पड़ेगा, अगर मैं घास बन करके रहूंगा ना, कम से कम सर पर उनकी तब चढ़ना भूल पड़ेगा ना, इसलिए कहते वहां का घास बने। बोले दूसरी चीज, बोले वहां की लता बनी जाए। बोले लता क्यों बनोगे? बोले जब ठाकुर जी कुंजो कुंजो में लीला करेंगे, अगर लता बन करके रहेंगे तो ठाकुर का दर्शन लीला दर्शन हो जाए। तीसरी चीज, बोले वहां की औषध वृक्ष रूप में जन्म हो। बोले क्यों? जब कोई बिना धूली है, जिसको भगवान कृष्ण स्वयं, जो धूल को भगवान कृष्ण अपना शरीर में लगाए थे, भगवान को जिसमें अभिषेक हुआ है, इसलिए ये ब्रज धूलि कोई साधारण वस्तु नहीं। इसलिए श्री कृष्ण सोच रहे हैं भैया ब्रज में जो आए यही चीज प्रार्थना करे, ब्रज धूल जो मिल जाए। फिर ये ब्रज धूल में है क्या चीज? एक दिन इसको मैं आस्वादन करके देखू तो सही। एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट में पहुंचे और पहुंच करके ना ठाकुर जी ने मिट्टी खाना शुरू कर दी। सखाओ ने मना किया, बोले कन्हैया मिट्टी मत खाया करो, पेट में खराब हो जाएगा। लेकिन कृष्ण माने नहीं, खाते खाते ही जा रहे। इतने में सखाओं ने मैया को शिकायत कर दी, बोले आज लाला इतना मिट्टी खा रहा है कि इसकी बात नहीं सुनता है। मैया बोले अभी तक मक्खन खाता था, अभी मिट्टी खाना शुरू कर दी। मैया तो एक लिठिया लेकर के आ गई और कान पकड़े, कान को भगवान के कान को पकड़े, बोले अपवित्र घर में मक्खन मिश्र की कमी, तुम ये मिट्टी खा रहे हो, झूठे। बोले बताओ तुमने मिट्टी खाई कि नहीं? कृष्ण ने कहा मैया ना अहम भक्सी तबानम वो सर्वे मिथ्या विसंसिनम। बोले मैया आज कहा भयो, तेरे को पता है कल कहा भयो? बोले ये सखा लोग अपना घर से लड्डू मालपुआ मिठाई सब चोरी चोरी करके लाते हैं। माँ तेरे को पता है मैं कभी चोरी का चीज खाता ही? बोले मेरे को अच्छे तरह से बता तो क्या करता नहीं करता। बोले सखा लोग मेरे को जोर जबरदस्ती की और मैंने खाया नहीं। सखा लोग तो समझ गए ये तो खाया नहीं, ये जरूर घर में जाकर चुगली करेगा और मैं चुगली करने से पहले ये सब चुगली कर लूंगा, इसलिए माँ आज तो मेरे भाग्य बड़ा खराब है। लेकिन बलदेव प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते। इतने में उन्होंने बोले दाऊ तुम सही सही बताओ तो कृष्ण मिट्टी खाए कि नहीं? दाऊ भी देखे थे, दाऊ भैया भी गवाह दे दिए। बोले मैया अपना आंखों से देखा कृष्ण को मिट्टी खाते हुए, मैं स्वयं देखा। कृष्ण कहते मैया ये जो दाऊ भैया है ना, ऊपर में तो बड़े गोरो हैं लेकिन अंदर में बड़े काले हैं, और मैं ऊपर तक काला हूँ लेकिन मैया अंदर में बड़े गोरो हूँ। बोले मतलब क्या है? यहाँ पर बड़े अच्छी बात समझा रहे हैं। हम लोग वृंदावन में गए होंगे, कहीं भी बलदेव प्रभु को, बलदेव तो गोरे हैं, कहीं आप गोरे नहीं देखो, काले देखो। बोले क्यों? बोले जब बलदेव प्रभु ब्रज में आए द्वारका से समझाने के लिए, उनने कृष्ण चिंता करते 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 पूरा काले बन गए। इसलिए देखना नंदगांव में जाना, देखना कृष्ण बलराम दोनों काले, दोनों ही काले। इसलिए कहते मैया बलदेव प्रभु ऊपर में तो गोरो हैं लेकिन अंदर में काले, मतलब ये मेरे को हर समय चिंतन करते हैं, इसलिए अंदर में काले। लेकिन ऊपर में तो काला हूँ लेकिन मैं अंदर से गोरा हूँ। बोले क्यों? बोले राधा रानी गोरी है और मेरे जो आत्मा है ना वो श्री राधा रानी है। आत्मा तो राधिका, कृष्ण का आत्मा श्री राधा रानी, इसलिए अंदर में तो गोरा हूँ, ऊपर में मैया मैं काले हूँ लेकिन पूरे में गोरे हूँ। लेकिन हर मैया अपना बच्चे का करतूत जानते हैं, स्वभाव को पता है। मैया को पता लाला बड़ा नटखट है, बड़े नटखट है। कृष्ण को तो कृष्ण ने झूठ को छुपाने के लिए बहुत काम की। बोले मैया मैं आकाश को सूर्य को हाथ उठा करके बोल सकता हूँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया मैंने जमुना में ठाड़ो होकर के बोल सकता हूँ मिट्टी नहीं खाई। मैंने दाऊ भैया के सर पर हाथ रखकर कसम खाकर बोल सकता हूँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। पता नहीं कृष्ण क्या क्या कसम खाने लगते, क्या क्या कसम खाने लगते, लेकिन मैया को पता। इतने में कृष्ण ने कहा देख मैया अगर मैंने मिट्टी खाई तो मुंह से खाई? बोले हाँ। बोले मैं मुंह खोल कर देख ले, तेरे को सारी चीज पता चल जाएगा। कृष्ण सोच रहे थे मैया से तो मान ही जाएंगे, लेकिन मैया मानने वाले नहीं, भाई कृष्ण को पता ये तो दुष्ट है। इतने में मैया को एक धमकी लगाई, बोले मुंह खोल मैं देखना चाहता हूँ। जब धमकी लगाई ना डर से कृष्ण का मुंह पट सकते, लेकिन जब कृष्ण की मुंह खुल गई
लेकिन कृष्ण को मुंह में अभी मिट्टी लगा हुआ। मैया एक हाथ से कान पकड़ी, दूसरे हाथ से लटिया आई। देखो ये चीज को अच्छे तरह से समझ लो, कृष्ण के जितने सारे लीला है उनकी एक जोग माया शक्ति है, उनकी दो माया है, एक महामाया और एक जोग माया। ये महामाया क्या करती है, जब कोई जीव भगवान को भूल जाए, ये महामाया हमें ये दो कबर दे दिया, ये स्थूल जो शरीर दिख रहा है, जिसको खिति आप तेज मर्द बम, मिट्टी वायु जल अग्नि आकाश, और एक शरीर इसके अंदर में जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये महामाया ने ये आत्मा को ऊपर में दो कबर दे दिया। कबर दे करके भगवान ने उस जीव को पूछा, अभी तू क्या करोगे, सृष्टि हुआ तू अगर मेरे सेवा करोगे तो आनंद आनंद में रहोगे, अगर माया में भोग करने जाओगे तो दुख पाओगे, मतलब क्या करोगे, लेकिन हम माया में ही छलांग लगाए। इसलिए महामाया ने किया कि ये आत्मा को ऊपर दो कबर कर दी, कबर करके भगवान से फेंक के दूर से, और ऐसे भगवान से हम विमुख हुए। अगर किसको पूछो भैया तेरा नाम, बोले मेरे नाम ये, मेरे बीबी है, ये मेरे बच्चे, ये मेरी दुकान, ये मकान, जितने सब झूठ परिचय दे रहा, ये सबके सब झूठ परिचय दे रहा है। बोले भैया कब से बीबी, बोले तेरा शादी से पहले कोई मतलब था, डाइवोर्स हो गया तो भैया एक दिन तो मरना पड़ेगा, बीबी से कहाँ जाएगी, बच्चे कब तक रहेंगे, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, एक दिन तुम्हें भी जाना। इसलिए जीव संपूर्ण रूप में भगवान को भूल करके सारे झूठे 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 परिचय देता है, वो असली परिचय नहीं देता है, हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ठाकुर जी की संतान है। ये जीव अपने आप को ये परिचय नहीं दे करके संपूर्ण माया की, माया मतलब क्या, जो जो चीज है नहीं उसको है बोलना, यही माया। हम कहते ना माया है, माया मतलब क्या, जो जो चीज नहीं है हम माया में मुक्त होकर के वो चीज को हम वही चीज बोल रहे हैं, ये महामाया का काम है। बोले जोग माया क्या करती है, बोले ये जोग माया जब ये माया में आ करके संसार में तरह तरह से दुख भोग करे, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, दुखी 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 वो करता है, फिर उसको चेतना आता, अकल आता है, फिर वो जीव फिर भगवत शरणागत होता है। जब भगवत शरणागत होता है ये जोग माया क्या करती है, फिर भगवान को साथ में जीव को जोड़ देती है, भगवान को साथ में जीव को जोड़ देती है, जोड़ने पर फिर जीव धीरे 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 ठाकुर जी के चरण में पहुंच जाती है, पहुंचने पर जीव को परम शांति और परम आनंद को प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान की ये जितने सारे लीला इसको कौन करती, बल्कि ये जोग माया ने ये सारे लीला ठाकुर जी की ये जोग माया करती है। अब ये जोग माया भगवान को भुला देती है सब कुछ, वो ईश्वर है, अगर ये जोग माया भगवान को नहीं भुलाएगी ना भगवान का लीला नहीं होगा। इतने में कृष्ण तो बोल गया मैंने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन मुंह में तो मिट्टी ऑलरेडी है। मैया जब धमकी लगाई कृष्ण मुंह खोले तो इनकी जो जोग माया थी, देखा मैया के हाथ में लठिया, इनके मन में शंका हो गई, जब शंका हो गई इतने में कृष्ण की जो जोग माया डर गई, बोले क्यों, बोले अगर मैया को ये विश्वास होगा मेरे लाला कृष्ण है भगवान है, अभी ये क्या करेगी मैया, जसोदा कृष्ण के लिए छोटी सी मंदिर बनाएगी, जैसे घर में नारायण है, जैसे नारायण के लिए भोग लगाती हैं थोड़ा घंटा हिला करके, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव, और थोड़ी बाता सा भोग लगाती और दरवाजा बंद कर देती। अगर माँ को पता चलेगा मेरा बेटा भगवान है, फिर उनके लिए भी छोटी सी मंदिर बंधा कर कृष्ण को अंदर में बंद कर देगी। इसलिए कृष्ण डर गए, जब कृष्ण डर गए फिर मेरी लीला कैसे होगी। फिर जोग माया ने किया कि वो सारे जितने विश्व ब्रह्मांड को फिर अंतर ध्यान कर दी, जब अंतर ध्यान कर दी देखा वही छोटा सा मुंह और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हाँ देखो एक चीज को समझो, अब लोग ये बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, बोलो कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं, खाए थे ना। लेकिन यहाँ पर कृष्ण फिर झूठ कैसे बोले, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, कृष्ण झूठ बोले ना, फिर दुनिया क्या बोलेगा। क्या भगवान जब झूठ बोलते हैं कोई दोष नहीं, और जब हम लोग झूठ बोलते हैं तो दोष है, लोग भगवान के ऊपर दोषारोप करेंगे,
हाँ देखो ये चीज को समझो, इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी बहुत बड़े साधु हुए, ये श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के हुए वल्लभाचार्य, बहुत बड़े, जिसने हमारे सनातन धर्म को रक्षा किया, जगत में वैष्णव धर्म को ये प्रचार किया, गुजरात में इनकी विशेष प्रचार, श्री गुजरात बम्बे में इनकी विशेष प्रचार है, ये बहुत बड़े संत हुए। वो कहते नहीं भैया, भगवान अगर झूठ बोलेगा ना ये दुनिया झूठा हो जाएगी। भागवत का प्रथम श्लोक है सत्यं परम धीमहि, कहते भगवान सबके सब प्रणाम करते हैं, 33 करोड़ देवता भगवान को स्तुति में कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सारे देवता ब्रह्मा शंकर कह रहे हैं। फिर अगर वो झूठ बोलेंगे तो दुनिया झूठा हो जाएगा, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। बोले अभी उन्होंने मिट्टी खाई, अभी तो बोल दिया मैंने मिट्टी नहीं खाई। हाँ ये चीज को समझो, ये चीज को समझो, कैसे भगवान झूठ नहीं बोले। देखिए यहाँ पर जो शब्द था ये संस्कृत शब्द है ना अहम भक्ष, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं बोले माँ तुम मिट्टी की बात क्या करती हो, मेरे मुखार बिंदे तो विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, तेरे को विश्वास नहीं हो रहे विश्व ब्रह्मांड, देख ले मैया तू ये सोच रहे हो मैंने ये ब्रज रज को मैं अकेले खाया, नहीं मैया ये ब्रज रज को तो ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जिस रज के लिए तरसते हैं मैंने विश्व ब्रह्मांड को रज दिया, देख माँ तेरे को विश्वास नहीं हो रही ना, देख विश्व ब्रह्मांड को मैंने एक रज दिया, ये करते। दूसरी अर्थ होता है खाना किसे कहते हैं, जब हमसे कोई चीज अलग हो जैसे उठा करके हमने खाए उसको खाना कहते हैं। कृष्ण कहते भैया तू कह रहे हो मिट्टी मैंने खाई, मिट्टी कब खाई, ये विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर में ही है, मेरे से अगर कोई चीज अलग होता तब तो उसको खाना बोलते हैं ना, देख मैया विश्व ब्रह्मांड तो मेरे नहीं है फिर मैंने खाया कब, नहीं मैया मैंने कुछ नहीं खाई मेरे अंदर में ही सब कुछ है, इसलिए कहते भगवान कभी झूठ नहीं बोलते भगवान, इसलिए भगवान ने ब्रजरज को खा करके ये ब्रजरज की महिमा को ठाकुर जी दिखाने के लिए ठाकुर जी ब्रजरज को आस्वादन किया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे आप लोग भजन का आनंद। राधे तेरे चरणों की सामा तेरे चरणों की ब्रज धूप जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की
प्रार्थना करे हैं कि ये मन मन बहुत सुख है, कैसे हम भजन करें। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई
दरबार में, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। एक दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि मांगना क्या है, मुरली वाले से दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद भिखारी है। अरे मांगो इस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं। फिर अंतिम पंक्ति में रचना जी कहते हैं क्या, कि हसरत है तुमसे मनमोहन, कि हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा कम निकले, जिस वक्त मेरा ये कम निकले। हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दिल दम निकले, तेरा एक नजारा काफी है बस और मुझे दरकार। तो यह बिंदु जी का भाव भी वही है, राधे इस जीवन में बस ये तमन्ना है, राधे नाम की धुनी लगाए सभी लोग एक बार हाथ उठाए, ऊपर हाथ उठाकर क्या बोलते हैं, भावा बहुत कमारी पता है, मुझे पता है कि राम नाम अभी चल रहा है लेकिन सभी लोग तो नहीं है, इसलिए सभी लोग एक बार हाथ उठाएंगे प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, प्रेम से ताली बजाकर बोलना है। Thank you.
आपको थोड़ी सी भगवान की कथा सुनाएंगे। अब बस एक्स्ट्रा बनाई दे, इधर 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 जल जल क्या इधर 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 गौरचंद्राय राधिकाय तथा कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः ओं विष्णुपदाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण की नामिने। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद स्तोत्र श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर मुझ पर कृपा करें ताकि इस भक्ति पथ में आगे बढ़ पाए। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु पूज्यपाद व्यासा सिंह श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब पर मुझ पर कृपा करें कि हम इस भक्ति पथ पे आगे बढ़ पाए। महाराज जी का आदेश हुआ है कि कुछ बोलने के लिए तो जो विचार गुरुदेव से महाराज जी से वैष्णवों से सुने हैं उन्हीं को पुनः दोहराना की प्रयास करूँगा। महाराज जी यहाँ पे बड़े सुंदर ये भागवतम कथा कर रहे हैं। और क्या है ये भागवतम कथा, क्या है ये भागवत का लक्ष्य, ये जो हम 7 दिन बैठ के यहाँ पे जो ये चीज़ ले रहे हैं उसमें से क्या ऐसा लेके जाएं। क्योंकि देखो अगर आप कहीं गए हो और वहाँ से कुछ लिए बगैर ही वापस चले गए तो फिर वहाँ पे जाना क्या हो गया, व्यर्थ हुआ। यहाँ पे 3-3 घंटे हम बैठे, 4-4 घंटे बैठे, कीर्तन हुआ, प्रसाद हुआ, सब हुआ, पर ऐसी क्या वस्तु हम लेके जाएं भागवत से, वो महाराज जी समझा रहे हैं। उसको दोबारा से दोहराने का प्रयास करूँगा। जैसा महाराज जी ने कहा कि ये माया ने क्या किया, जो जीव भगवान से विमुख हो गया, भगवान को भूल गया, उसको क्या किया, 2 शरीरों में बांध दिया। एक पंचभौतिक शरीर जैसे हम दिख रहे हैं स्त्री पुरुष आदि, और उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर आत्मा के ऊपर एक पतला सा शरीर और मन बुद्धि अहंकार चित्त का। अब एक चीज खुद सबने अनुभव कर रखा होगा कि क्या आज तक किसी भी वस्तु ने मुझे इस संसार में सुख दिया है, किसी भी वस्तु ने। मैंने हमेशा यही प्रयास किया कि मैं ये वस्तु इसलिए लाया था कि मुझे इससे सुख मिलेगा, पर क्या वास्तविक रूप में उस वस्तु ने मुझे सुख दिया? पक्का? देखो क्या क्या नहीं किया हमने बचपन से, क्या क्या नहीं किया। एक खिलौना लेते थे वो सुखी नहीं करता था, क्यों? दूसरे बच्चे के हाथ में जो खिलौना है उसे देख के ज्यादा सुख हो रहा है। फिर वो वाला खिलौना भी मिल गया, पर दूसरा। पढ़ाई करी, क्या क्या नहीं किया, नौकरी करी, शादी करी, बच्चे करे, सुख मिला। रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद क्या क्या काम नहीं करा, सोचा चलो घूमेंगे फिरेंगे योगा करेंगे। यहाँ तक कि आज की डेट में जो पार्कों में लाफ्टर क्लब चल रहे हैं वो भी हमें सुखी नहीं दे पा रहे। इसके पीछे देखो, हम डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करते हो, डॉक्टर को जाके क्या बताते हो, क्या बताते हो डॉक्टर को? गलत। आप डॉक्टर को बीमारी नहीं बताते, आप डॉक्टर को लक्षण बताते हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। भाई डॉक्टर साहब, बैठ के उठता हूं तो उठा ही रह जाता हूं और उठ के बैठता हूं तो बैठा ही रह जाता हूं, चक्कर आते हैं, जी मचलाता है। कहने का मतलब ये है कि हम डॉक्टर के पास जाके उसको लक्षण बताते हैं, फिर वो जो डॉक्टर है अपने एक्सपीरियंस से, पढ़ाई से, सब चीजों से आपके उन सभी लक्षणों को इकट्ठा करके एक बीमारी का नाम दे देता है कि आपको ये रोग हो गया है, आपको ये रोग हो गया है। ऐसे ही अब क्या है, वो डॉक्टर ने भी MBBS MD पता नहीं क्या क्या नहीं किया, कुछ किताबें पढ़ के किया है। ऐसे ही
हमारे सारे लक्षणों को देखते हुए, कहां से कैसे लक्षण, कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भाइये से हैं। कैसे? अरे मेरे पास पैसा नहीं है, अरे मेरा बिजनेस खराब चल रहा है, अरे बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, अरे ये नहीं हो रहा, अरे मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, अरे मेरी छत चूरी है, अरे मेरा ये हो रहा है। ये तो हो गई सेकेंडरी प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं, असली में ये प्रॉब्लम ही नहीं है। असली प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म कैसे होता है? जन्म माँ के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं 9 महीने तक। माँ तीखा मिर्ची जैसा भी खाती है वो बच्चे को लग रहा होता है, कीड़े काट रहे होते हैं उस समय, पेट में लटका जीव प्रार्थना कर रहा होता है, हे भगवान एक बार इस कारागार से बाहर निकाल दे, देख तेरी भक्ति करके वापस आ जाऊंगा। ठीक है, ये होगा जन्म। फिर बीमारी व्याधि जरा, बुढ़ापे से कौन कौन परेशान नहीं है? क्यों माता जी, बुढ़ापे में मजा आता है या बचपन में या जवानी में? देखो जो बुढ़ापा, ये बुढ़ापा आने वाला है, मैं भी नहीं बचूंगा, आप भी नहीं बचोगे प्रभु जी, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, कोई सी भी टेक्नोलॉजी लगा लेना, बुढ़ापे से नहीं बच पाओगे। और फिर उसके बाद मृत्यु। जिस दिन किसी जीव ने जन्म ले लिया उस दिन से हर साल जो उसके जन्म तिथि पे क्या मनाते हैं, कौन सा वाला, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई तेरे 2 साल कम हो गए, तेरे 30 साल कम हो गए, तेरे 40 साल कम हो गए, मतलब जितनी वो आयु लेकर आ रहा है उसको हम खुशी होके बता रहे, खुश हो जा। क्यों? तू मृत्यु की तरफ जा रहा है। तू कहां जा रहा है? तू मरने जा रहा है, खुश हो जा। पर मरने की तरफ जो व्यक्ति जा रहा है कोई खुश हो पाया है? मरने से कौन कौन डरता है? यहाँ असली असली दिग्गज लोग बैठे हैं, असली महात्मा लोग बैठे हैं जो मरने से नहीं डरते। अरे भाई मरने से नहीं डरते तो क्यों डॉक्टरों की दुकानें चलने दे रहे हो? तकलीफ होती है, वो तकलीफ कहाँ लेके जाएगी? संसार ही लेके जानी है। देखा, माता जी ने बहुत अच्छी बात करी, इनको कुछ समझ में आ गया है कि भक्ति कैसे। मृत्यु जब भी आए, अपने टाइम से जब आनी है वो आएगी, पर जिसने अपना गोल समझ लिया, क्या समझ लिया कि ये मानव शरीर किस लिए मिला है, सबसे पहली चीज। तो जो हम लक्षणों की बात कर रहे थे, ये जो लक्षण दिख रहे हैं उसके साथ अलग तीन परेशानियां और हैं, ये 4 प्रॉब्लम थी, उसके साथ 3 और हैं, 7 हैं मेन प्रॉब्लम में। और वो 3 क्या है? तो दुर्गा देवी है ना, नवरात्र चल रहे हैं, इनके हाथ में क्या है, क्या है? त्रिशूल के कितने मुंह होते हैं? आगे वो 3 नोकीले कितने होते हैं? 3। तो दुर्गा देवी भी त्रिशूल लेके खड़ी है कि देखो खबरदार, ये 3 तरीके के ताप मैं तुम्हें दूंगी। कैसे है वो 3 ताप? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक, कभी बारिश अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है। आजकल सूर्य देवता कैसे लग रहे हैं? बड़ा मजा आता है ना, जाते होगे ना संवाद लेते होंगे, अब आयो आप सही से 35 डिग्री 38 डिग्री, क्या सर्दियों में 20 डिग्री 18 डिग्री पे चल रहे थे। सोचो ये आदि दैविक ताप है, कभी सूरज गर्म लग रहा है, वर्षा ठंड, ये सब आदि दैविक जो देवताओं से मिल रहा है हमें, कभी भूकंप आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या ताप है? आदि भौतिक, मच्छर काट रहे हैं, कुत्ता काट लेगा, पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया, उसने थप्पड़ मार दिया, उसने गाली दे दी, तो दूसरे जीवों से ताप मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं। और एक चीज बताओ, किसी को टेंशन है यहाँ पे? टेंशन है किसी को? नहीं हो ना, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है ना, किसी को कोई टेंशन नहीं है? अरे यहाँ बैठे हुए नहीं है, पर यहाँ बैठे बैठे भी पता क्या सोच रहे हो, पता नहीं आज महाराज जी ने थोड़ा सा लेट शुरू करी है, फिर गीत भी चले गए, ये भी चले गए, आज लेट ना हो जाए, भाई भगवान बारिश मत ले आइए दोबारा से,
कल बारिश आ गई थी और ऐसा ऐसा होगा तो मैं छत पे कपड़े सुखा के आ गई थी और बहू ने उठाए भी नहीं। हुआ ना ऐसा? अच्छा हो गया। तो जो टेंशन है यहाँ बैठे बैठे पे, तो ये कौन सा पाप है? आदि अध्यात्मिक। जो ये टेंशन कैसी चीज है, ये हम अपने आप को ही मार रहे हैं, हम अपने आप को ही मार रहे हैं। डॉक्टर ने रिसर्च करके निकाल लिया कि डायबिटीज, बीपी नाम की बीमारियां नहीं है, ये हमने अपने आप को जो टेंशन डिप्रेशन दे दे के ये अपने अंदर ये विकार पैदा कर लिए हैं शरीर में। ये 7 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ये 7 तरीके के लक्षण हैं। अब बीमारी क्या है ये इन शास्त्रों में बताया है। और आपका भाग्य देखो कितना अच्छा है, डॉक्टर साहब 7 दिन के लिए यहीं आ गए हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब यहीं आ गए हैं तो पूछ लो, वो बता भी रहे हैं पर फिर भी आगे अलग से भी पूछ रहे ना, डॉक्टर साहब ये 7 प्रॉब्लम है तो मुझे पक्का ही है, शर्म आ रही थी बताने में, इसके साथ साथ ऐसा भी है, मेरा रोग बता दो। देखना वो पता क्या कहेंगे, एक ही रोग है, ये भव रोग, और इस भव रोग से मुक्ति का जो दवाई, जो जरिया दिया है, एक तो जरिया दिया कि हमें मनुष्य शरीर मिल गया है और उसकी एक ही दवाई बोलेंगे वो, मैं पहली पर्चा लीक कर देता हूँ, दवाई है कि हरे नाम हरे नाम हरे नामे व केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गते रहन्यता, कि इस कलयुग से इस भव रोग की दवाई एक ही है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कौन कौन कर रहा है हरि नाम? कायदे से डोज के हिसाब से, अगर डॉक्टर ने कहा है 3 दफा दवाई खानी है परहेज के साथ, कौन कौन कर रहा है? अच्छे से इस हरि नाम को करना है, और हरि नाम हो रहा है इसका विश्वास पता क्या होगा, सही बात बताऊंगा, सारे ज्योतिष भूखे मर जाएंगे। क्या? सारे ज्योतिष भूखे मर जाएंगे, ठीक है, झाड़े फाड़े वाले सब भूखे मर जाएंगे, ये घरों के आगे जो जूते टंगे हैं ना, मखौटे टंगे हैं डरावने डरावने से, ये सब उतर जाएंगे। क्यों भाई? इस जूते पे विश्वास है मुझे, उस मखौटे पे विश्वास है कि इसको टांग दूंगी तो बुरी नजर नहीं लगेगी, पर हरि नाम पे विश्वास नहीं है, भगवान के नाम पे विश्वास नहीं है। तो जिस दिन विश्वास के साथ में ये हरि नाम करूंगा करूंगी, ये हरि नाम अपना पूरा असर दिखाएगा, ठीक है, डॉक्टर साहब यही बात बताने आए हैं, तो ये दवाई ले लो। अब लेनी क्यों जरूरी है इसको इस प्रसंग से समझेंगे। एक बार, 2 मिनट और लूंगा, एक बार हमारे एक संत हुए हैं तुलसीदास जी ने, सबने नाम सुना होगा तुलसीदास जी का। अब संत कैसे थे? रमता जोगी बहता पानी, कभी एक जगह रहते नहीं थे, कभी एक स्थान कभी दूसरे स्थान कभी तीसरे स्थान, जहां जहां जा रहे हैं राम नाम का प्रचार कर रहे हैं, राम कथाएं सुना रहे हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक राज्य में पहुंचे, वहां के राजा को पता चला, वहां के राजपुरोहित ने राजा को बताया कि ऐसे ऐसे बहुत बड़े संत तुलसीदास जी हमारे राज्य में आए हैं, और इतने बड़े संत हैं, भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं कि वो भगवान के दर्शन करा देते हैं। राजा बड़ा खुश हुआ, कहता राम जी के दर्शन करा देंगे वो मुझे? कहते हाँ। अब राजा भी राम भक्त था, राम दरबार उसके महल में था, पूजा पाठ करता था। राजा बस पहुंच गया, कैसे पहुंचा? हाथी पर बैठ के, और पूरी कुछ सेना ले ली है, हाँ, प्लेटों में अशर्फियां, सोना, खाना पीना, कपड़े रेशमी, पूरे थाल सजा सजा के कहां पहुंचा है? तुलसीदास जी के पास। जा किसके लिए रहा है? संत दर्शन के लिए, पर किस अहंकार में जा रहा है? मैं इस राज्य का राजा हूं, इस अहंकार में वो पहुंचा। अब पहुंचा है जी, तुलसीदास जी बैठे अपने राम नाम की माला जप रहे हैं, तो उसने राजा ने राजपुरोहित ने प्रणाम किया, और राजा बड़े अहंकार से बोला, साधु ए बाबा, मैंने सुना है आप भगवान के दर्शन करा देते हो। तुलसीदास जी ने देखा ऊपर, फिर राम नाम कर रहे हैं, ऐसा है मैं आपके पास आया हूं, ये देखो कितने सारे गिफ्ट लाया हूं, ठीक है, ये रख लो और मुझे राम जी के दर्शन करा दो। तुलसीदास जी मंद मुस्काए, कह रहे बस राम जी के दर्शन करने हैं बस। राजा का सर घूम गया,
ये बस है, इसके लिए इतना सा कार्य है? थोड़ा सा विश्वास आया कि हाँ ये करा देगा। कहता हाँ 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 मुझे राम जी के दर्शन करने हैं। तो कहता बड़ा सरल सा उपाय है राजन, बस यही बोलो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, बस ये नाम जपो, देखना साक्षात सिया राम तुम्हारे सामने होंगे। कहता राजा, कहता नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। कहता कैसे नहीं हो सकता राजन, मैं बोल रहा हूँ यही उपाय है। तो राजा कहता मेरी माँ राम भक्त थी, ये राम नाम बचपन से करता आ रहा हूँ और इतना बड़ा राम दरबार मेरे महल में है, मैं रोज सुबह शाम तीन समय राम जी की पूजा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए। कैसी बात कर रहे हो, राम जी के दर्शन कराने हैं तो बताओ, देखो कितना सारा मैं तुम्हारे लिए सोना और कपड़े लाया हूँ, ये सब ले लो और चाहिए और ले लो, पर मुझे राम जी के दर्शन करा दो। तुलसीदास जी कहते बस एक यही उपाय है राजन। तो राजा राज पुरोहित की तरफ देखता है, किसके सामने ले आया, यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करा दिया, चलो वापस, सारा कुछ उठाया वापस आ गया। तो यहाँ पे एक शिक्षा ये भी मिलती है, जब संत दर्शन के लिए जाएं, अपना अहंकार अपने घर ही छोड़कर आए, भूल जाएं मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, ये दरिद्रता का भाव अपने अंदर होना चाहिए कि मैंने अपने इस मनुष्य जीवन में कमा क्या लिया। क्यों प्रभु जी, क्या लेके जाओगे, सब यहीं छोड़ जाओगे, इस अहंकार को वहीं घर पे छोड़ाओ, संत के सामने सर झुका के बिल्कुल दीनहीन भाव से बोलो कि हे प्रभु हे महाराज, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया अपने लिए, कुछ कल्याण नहीं कर पाया, मुझ पे आशीर्वाद करो, कुछ कल्याण करो, कुछ उपदेश दो कि मैं इस मनुष्य जीवन को कृतार्थ कर पाऊं, कुछ कर पाऊं। अब ठीक है ये तो बात हो गई, कुछ दिनों के बाद तुलसीदास जी पहुंच गए, अब कहां राजमहल में, संत तो संत ही है, संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने कहा राजा आया था तो कल्याण के लिए, पर उसका कल्याण हुआ नहीं, मैं करना चाहता हूं। गए और महल में घुसते ही सीधा चिल्लाए, सैनिकों राजा को बंदी बना लो। अब जैसे आप मेरी तरफ देख रहे हो ना, सारे भाई उनकी तरफ देख रहे हैं, भाई क्या हो गया इसको। राज पुरोहित जी खड़े होके थोड़े से सहम से गए कि ये क्या हो गया, तुलसीदास जी ऐसा क्या कर रहे हैं, और राजा थोड़ा सा हंस रहा है, ये क्या हो गया। तुलसीदास जी फिर कह रहे सैनिकों तुम्हें सुनाई नहीं दिया, राजा को बंदी बनाओ। एक बार दो बार तीन बार जब बोला, राजा ही गुस्से के मारे खड़ा हो गया और सीधा चिल्ला सैनिकों, राजा ने ऐसा ही कहा था सैनिकों, सारे सिपाही ऐसे दौड़े और तुलसीदास जी को उठा लिया, और तुलसीदास जी लगे हंसने, जोर जोर से हंस रहे। तब राज पुरोहित राजा के पास गया कि राजा एक निवेदन है आपसे, राजन अपना ये अहंकार छोड़ो, ये संत है, इनके कार्य हमें समझ में नहीं आएंगे अपनी बुद्धि से, इनसे जाके क्षमा मांगो और पूछो कि ये कर क्या रहे हो आप, क्या समझाने। राजा को लगा राज पुरोहित ने कुछ बोला है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो राजा अब अपना अहंकार छोड़ के तुलसीदास जी के पास गया है कि आप क्या समझाने की चेष्टा कर रहे हो मुझे, उस दिन जो मैं आया और आज आप इस तरह आए हो, क्या समझाना चाहते हो, बस मुझे ये समझा दो। तो तुलसीदास जी कहते एक सरल सी बात समझाने आया हो राजन, इसे ले लो। देखो मैं इतनी देर तक चिल्लाता रहा, राजा कार्य हो गया, ऐसे ही तुम उस दिन जब मेरे पास आए थे और जब मैंने तुम्हें बोला था कि अब इस राम नाम को करो, तो मैंने तो एक संत क्या करता है, एक भक्त क्या करता है, अपने हृदय से वो भगवान नाम तुम्हें देता है, वो उसके साथ वो अथॉरिटी देता है, ताकि अब जब तुम वो नाम करोगे तो क्या होगा, वो जाएगा उस धाम तक, धाम को हिला देगा, और वहां फिर भगवान तुम्हारी करुण पुकार सुनेंगे कि देखो ये एक जीव बैठा मुझे पुकार रहा है। तो यही समझना है कि नाम करने से फल मिलेगा, जब तक साधु मुख से राम नहीं लिया तो वो नाम एक काम करेगा, वो नाम क्या काम करेगा कि आपके रास्ते खोल देगा साधुओं के लिए, पर उसके बाद आपको साधु मुख से हरि नाम लेना ही पड़ेगा, अगर भगवत प्राप्ति भगवत सेवा की प्राप्ति करनी है। ठीक है,
तो बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, अपना पर्चा लेके पहुंच जाओ, दवाई लिखवा लो। हरे कृष्णा। पांच भेष्टर के पास अंदर वृंदावन बिहारी लाल की, बलसी हरि नाम संकीर्तन की, बलसी सचिनंदन गौर हरि की, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा। हाँ, मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद में फिर गिरिराज की पूजा करेंगे, ठीक है? हाँ देखो, ये कथा को मैं सब जगह में सुनाता हूँ, ये नई कथा नहीं है, पुरानी कथा, तब भी कुछ नए भक्त लोग हैं इसलिए मैं सुना रहा हूँ। आप लोग ये कथा को सुनना, और ये कथा सुनाने के बाद फिर आपको मैं दो बार पूछ सकता हूँ, मैं देखूँगा दो बार फिर मेरे को कौन बोल पाता है, ठीक है? ध्यान देकर बैठो और कथा को सुनो। हरे कृष्ण। कुथा जा रहे हो? कहीं बैठो चुपचाप, 15 मिनट बाद, ठीक है? हरे कृष्ण। हाँ देखो, कोई एक राजा था। देखो ये कहानी सुनाने के बाद मैं किसको पूछ सकता हूँ, जो नहीं बोलेगा ना फिर बीच में खड़े कर दूंगा उसको, ऐसे सुनना जैसे मेरे को सुन कर मेरे को बोल सकते हो। बोले कोई एक राजा था, कहते वो राजा के 4 रानियां थी। कितना रानियां थी? कहते जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मनपसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, कहती ये 4 रानियों में जो सबसे देखने में सुंदर थी, इसलिए राजा जब राज्य को भ्रमण करने जाता था, वो रानी को सुंदर करके कपड़ा लता पहना करके रथ में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने प्यारी, कितने सुंदर ये। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी, वो बड़ी बात को बना बना करके मीठा मीठा बोलती थी, इसलिए राजा जब महल में आता था, वो रानी को पास में बैठ करके उसको मीठा मीठा बोली सुन करके खूब खुश होता था। लेकिन मन की बात और किसी को पता हूँ कौन कहाँ तक मेरी साथ देगा। तब उन्होंने सबसे बड़ी रानी से पूछा, अब लोग बताओ तो बड़ी रानी कौन थी? अब इतना जल्दी भूल किस रहे हो? हाँ, जिसको जीवन में ज्यादा प्रेम करता था, वो जिस समय जो मांग करती थी उसी समय में ला ला कर उसको देता था। तो उसने सबसे बड़ी रानी से पूछा, साथ में चलोगी? लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाली हुई निकली। बोले तेरे साथ में एक कदम भी मैं चलने वाली नहीं। बोले क्यों? तेरे लिए जो इतना किया, जो मांगती थी वही ला कर देता था। बोले तेरा कर्तव्य था? बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं। राजा को तो बड़ा दुख मिला, सोचा दूसरे रानी से पूछे। दूसरी रानी कौन थी? सबसे सुंदर जो थी, राजा जिसको दुनिया में घुमाया करता था। बोले राजा, बोले रानी तू क्या करोगी, साथ में चलोगी? लेकिन वो कहती है, मैं तो देख रहा हूं तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी? बोले देख मैं कितने सुंदरी, जहां जाऊंगी वही मेरे को पसंद कर लेगा, इसलिए मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी। राजा को तो और दुख मिला, बोले ये देख रहे कब मैं मरूंगी, मरूंगा दूसरे से शादी करेगी। अब उसने तीसरी रानी से पूछा, तीसरी रानी कौन थी? जिसका मीठा मीठा कथा सुन करके खुश होता था, मन की बात जिसको बोलता था। बोले तू साथ में चलोगी? वो थोड़ी अच्छी निकली। बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तक चलना थोड़ी चलना है? बोले ज्यादा बोलोगे ना, 4 कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन उसको आगे नहीं चल सकती। बोले तू भी कोई काम की नहीं, दरवाजा तक चलना थोड़ी चलना है। अभी उसने चौथी रानी से पूछा, चौथी रानी कौन थी? राजा जिसको जीवन में कभी प्यार नहीं किया, कभी उसको झांक करके भी देखा नहीं, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, सोचा इसके लिए तो कुछ किया ही नहीं, और जिसके लिए करो उसके लिए पूछोगे तो इसके लिए तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। बोले एक बार पूछ करके देख ही लेता हूँ ये क्या करती है। बोले रानी तुम मेरे साथ में चलोगी? लेकिन वही रानी राजी होती है साथ में जाने के लिए। बोले राजा तेरे को दिल से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात यह है तुमने एक बार झांक करके भी मेरे को देखा नहीं, कभी तुमने पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, तुमने जो कुछ किया किया मेरे प्रति, लेकिन मैं दिल से मैं तेरे को बहुत प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ मैं चलूंगी और तेरे सुख में सुखी और दुख में दुखी रहूंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा,
भैया जिनके लिए जिंदगी मैंने की है वो कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं, और जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए तैयार। देखो आप लोग इसकी रहस्य को समझो, जैसे 7 दिन तक हम कथा सुने, अगर ये कथा की रहस्य को अगर समझ गए ना, ये समझो हमारी कथा सुनना सार्थकता हो गया। 7 दिन तक जो कथा सुन रहे हैं ये कथा सुनना हमारी सार्थकता हो गया। अगर इतनी सी बात अगर आज जीवन में समझ गए, समझो आज का दिन से आपका जीवन दिव्य जीवन बन जाएगा, ये चीज को समझो। कहते जीवन में सबसे बड़ी रानी मतलब है राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिसकी मन पसंद चीज को ला ला कर उसको खुश करता है, लेकिन अंतिम समय में क्या बोला, एक कदम भी मैं नहीं चलूंगी। इसका मतलब है अभी हम जीवन में जिसको सबसे ज्यादा जगत में प्रेम कर रहे हैं, वो जिस चीज की मांग करती है, भले हमें चोरी डकैत कोई भी कुछ करना नहीं पड़े, उसी को इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में एक कदम भी वो हमारे साथ में नहीं चलेगी। कभी ये कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, बोलो किसको? शरीर को प्रेम करते हैं। ये जगत में शास्त्र कहता है प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, ये जगत में केवल स्वार्थ है। और जो प्रेम थोड़ी बहुत दिख रहा है ना, वो चूंकि आपसे कुछ मिल रहा है इसलिए ऊपर से ये प्रेम दिख रहे हैं। मिलना बंद कर दो, भले ही जिंदगी भर आप उसके लिए किए हो, एक दिन अगर भूल चुका हो जाएगा ना, वो सोचेगा नहीं भैया ये जिंदगी भर के लिए मेरे लिए किया, वो बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया, एकदम मुंह में छट यही बात आती है। इसलिए किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते, अपने आप को, ये शरीर को। ये शरीर जिस समय जो चीज मांग करती है, कभी जिम में जाओगे बोलो जिम ले चलेंगे, बोले चवनप्राश खाओगे बोले चलो खिलाएंगे, गोलगप्पे खाओगे चलो खिलाएंगे, बोले ऐसे साड़ी पहनोगे बोले चलो पहनाएंगे, बोले तुम ब्यूटी पार्लर में चलो बोले चल करते इसको सजाएंगे। ये शरीर जिस समय हमें जिस चीज की मांग करती है, अब देखना ये शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आया शरीर से पूछे शरीर चलोगे, बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, शरीर से परमात्मा चले जाए, जिस शरीर के लिए हमने इतने कुछ किया है वो शरीर यहीं कहीं रह जाती है। अभी दूसरी नंबर आई जो सबसे सुंदर थी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता थे हैं, जब उसको पूछा साथ में चलोगी, उसने क्या बोले, बोले मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले जगत में सबसे सुंदर कौन है, कहते ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे सुंदर ही है, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ होता ही नहीं। अब पैसा कमाने के लिए कितना कष्ट आपको पता होगा है, अगर पैसा बढ़िया पैसा रहेगा बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया दुकान मकान बनाएंगे, पैसा से पूछे भैया साथ में चलोगी, वो बोलेगा मैं देख रहा हूँ तो कब मरोगे मैं तो दूसरे से शादी करने वाली। मतलब क्या है, आज हमारे पास में पैसा इसको हम भोग कर रहे हैं, और शरीर छूटते ही बच्चे का नजर कहाँ रहता है, बच्चे का कितने पिताजी की प्रॉपर्टी दुकान मकान कहाँ, बैंक में कितना ATM कार्ड कहाँ रुपया, बच्चों का वही नजर रहता है। शरीर छूटते ही वो पैसा झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। वो कहती भैया मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी, तेरे साथ में जाने वाले नहीं, वो भी गई। अभी तीसरी नंबर आई, राजा जिसका मीठा मीठा बात सुनता था, मन की बात बोलता था, बोले ये कौन है, बोले परिवार वाले हैं जिनको साथ में बैठ करके मन की बात बोलते हैं, हाँ मन की बात करते हैं। अभी पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी से पूछे भैया साथ में चलोगी, बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चल सकती, बोले आगे बोले ज्यादा बोलोगे ना 4 कदम तक आगे बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ में मैं नहीं चल सकती, बोले भैया तू भी किसी काम की नहीं। परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं तेरे लिए बढ़िया अर्थी सजाएंगे रथ सजाएंगे, और उसको पर लेट राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है करते करते ले जाएंगे, बोले कहाँ तक, बोले शमशान तक ले जाएंगे, और वहीं पर जला करके टा टा करते करते वापस आ जाएंगे, बोले आगे और नहीं चल सकते। हाँ अभी ध्यान देकर सुनो, जो चौथी रानी थी राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखा, ये बेकार किसी काम की नहीं, उसको कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन जब वो चौथी नंबर पत्नी से प्रश्न करती है ना, धाम धाम नहीं वो बैठ कर हरे कृष्ण करते हैं,
भैया जीवन में जो कुछ कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? कोई बोलेगा तेरा बेटा सचा है ना, तेरे बीवी सचाती, ना तेरे दुकान मकान सचाती। वो बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। तुमने भगवान के नाम के सिवाय जो कुछ तुमने किए केवल झूठे में बिताए। एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रहे। पत्नी दरवाजा तक जाएगी, परिवार शमशान तक जाएगी, उसको आगे कुछ भी काम करने वाले नहीं। इसलिए भागवत में जब जी मरता है, जब महाराज को सामने खड़ी की दिया थी उसको, जब महाराज एक ही प्रश्न करते हैं, दो प्रश्न नहीं करते हैं। उसको ये प्रश्न करते हैं, तेरे को 84 लाख जन्म के बाद में ये जो दुर्लभ शरीर मैंने दिया था ठाकुर ने, तुमने कितने भजन किया है, कितने तुमने ठाकुर का नाम लिया। ये नहीं बोलेगा कितने बेटा कितने बेटी थी, अमेरिका में भेजा किसको, लंदन में भेजा दुकान, इसको बोलेगा नहीं। कह रहे दूसरे जीवन में सर कटकते रहोगे, लेकिन ये मानव शरीर तुम्हें नहीं मिलेगा, कोई पेड़ पौधा जानवर होकर भटकते रहोगे और तेरे को जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए मीरा कहती है, पायो ये मैंने राम रतन धन पायो, पायो ये मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल का ती मेरे सदा गो, वस्तु अमोल को दी मरे सदगुरु, ये सदगुरु से मिला। बोले ये धन कैसे है? बोले चोर नहीं ले बे, लुटे नहीं जावे, दिन दिन बड़ा तसवायो, पायो दिन ये धन को कोई नहीं लूट सकते हैं। चोर नहीं लेगा, लूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, जो धन केवल बढ़ते हैं। और ये ऐसे धन है ना, जिसको पिता कमाएगा तो बच्चा नहीं ले सकता, जिसको पति कमाएगा तो पत्नी नहीं ले सकती है, जिसको पत्नी कमाएगा तो पति भी पति नहीं ले सकता है। जो कमाएगा इसी जीवन में उसका तो मालिक ही बनोगे, और अगले जीवन में दिन दिन बढ़ा तो सवार, दिन प्रतिदिन सवा गुण बढ़ते रहेगी धन। ये कभी घटने वाले धन नहीं, ये घटने वाले धन नहीं। इसलिए मैंने पहले बताया था ना, जब महाप्रभु को निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है, महाप्रभु क्या बोले, बोले जो लखपति बनेगा उसके घर में खाना खाएंगे। उस समय लखपति मतलब है 1 लाख स्वर्ण, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया नहीं, आपको लख की बात कर रहे हो, इसका मतलब कि हमारे घर में खाना नहीं खाओगे। भगवान समझाए, बोले असली लखपति कौन है, बोले रोज आना जो 1 लाख ठाकुर का नाम जप करते हैं, 1 लाख ठाकुर के नाम जप करते हैं, वही असली लखपति। इसलिए मीरा दूसरी भजन में कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरेमती मैं बिखेराऊं गली गली, जिन जिन ने यह मोती लूटे उसे माला माल होगी, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल। ये मीरा की भजन है, हैं? बोले भैया कौन कौन लूटे, बोले तुलसी मीरा और नरसिंह। देखो सारा दुनिया में जिनकी पूजा हो रही है, हनुमान जी की घर घर में पूजा हो रही है, तुलसीदास जी की मीरा जी का नाम देखो, सारा दुनिया में जिनकी जय जयकार हो रही है। लेकिन क्या बोले, दुनिया की पैसा लूटते लूटते जो मर गए, तो गए मर कर, सारा दुनिया में कोई उनका नाम लेता है? ये जगत में बड़े से बड़े पोजिशन, जैसे अभी मोदी, मोदी अगर इलेक्शन में नहीं आएगा तो मोदी का नाम कोई लेगा? जोगी जोगी अगर अगला इलेक्शन में नहीं आया तो कोई नाम लेगा? बड़े से बड़े हीरो हीरोइन 2 दिन बाद में मर जाएंगे तो कोई नाम लेने वाले नहीं? 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थी, अभी कोई पूजा कर रहा है?
लेकिन हनुमान जी को देखो, दुनिया जिनकी पूजा कर रहे हैं, दुनिया जिनके नाम ले रहे हैं। इसलिए हीरो हीरोइन बनना है ना, भगवान के भक्त बन करके हीरो बनो, भगवान की भक्त बन करके मीरा जैसे हीरोइन बन जाओ और हनुमान जैसे हीरो बनो, ठीक है ना। इसलिए आप लोग बताओ, कौन सा स्त्री को, चार स्त्रियों में कौन सा स्त्री को ज्यादा प्रेम करोगे बताओ, बोलो बोलो। आप लोग भी बोल नहीं रहे, चारों स्त्रियों में सबसे कौन सा पत्नी को ज्यादा प्रेम करोगे? हाँ बस, आप लोग पंडित लोग हैं, आप लोग समझ गए। इसलिए चौथी रानी को ही सबसे ज्यादा प्रेम करनी चाहिए, इसी से दुनिया में सुखी रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हाँ देखो, जो मेरे गुरुजी थे ना, बुरा मत समझो, मेरे गुरुजी बोलते थे अगर किसको बोलो भैया थोड़ा ठाकुर का नाम जप करो, बोले नहीं कुछ पैसा बच्चों के लिए कमा करके जाना चाहिए ना, कुछ बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा करके जाए। मेरे गुरुजी कहते थे बच्चे के लिए पैसा कमा मत जाया करो। बोले क्यों? बोले बच्चा अगर होनहार होगा तो कमा लेगा, अगर बच्चा अगर नालायकी बना ना, तुमने जितने पैसा तुमने कमा कर गए ना, वो दारू जुआ खा करके खेल करके खा करके सब बर्बाद कर देगा। अब देखना किसकी बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं, जिसका पिता जितने पैसा रख कर गए उसका बच्चा उतना ही बिगड़ता। क्यों? उसको पता नहीं ना पिताजी कितना कष्ट कर, धन को कमाओ भगवान के नाम, धन को कमा कर भी जाओ, जो धन जाने का बाद साथ साथ में हमारे साथ में चलेगी। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे भैया ये धन को कमा कर जिंदगी भर जाओ, यही धन तुम्हारी काम में आएगी। बोले श्री गिरिराज महाराज की, अभी हम लोग गिरिराज की कथा सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ एक माला हम जप करते हैं, ठीक है? एक माला जप, राम 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 हरे हरे, ये 16 बार नाम हो जाता है। अगर ये माला को अगर हमने 16 बार अगर माला को कर लिया उसमें 25,000 हो गया, अगर 64 माला कर लिया ना कहते वो 1,00,000 हो गया। कहते 1,00,000 नाम नहीं, आज हमारी बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गया, ये भगवान स्वयं देते हैं। इस सबको एक एक माला दे दो, बच्चों को मत दो बड़ों को दे दो, एक एक इधर ले जाओ, इधर माताओं को दे दो, आप इधर दो बच्चा उधर दे दो। हाँ देखो ये समझो, हम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण में बैठे हैं, ठाकुर जी के चरण में बैठे करके प्रभु का नाम ले रहे हैं। इसमें जो हरे शब्द है वो हरि का नाम है, नाम करने पर क्या होगा, जीवन का जितने दुख कष्ट हरण कर लेते हैं। कृष्ण मतलब होता है मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है। क्री मतलब होता है ये चंचल मन को जो भटकने नहीं दे, और स्ना मतलब आनंद दे, और राम मतलब होता है सभी के हृदय में जो रमण करे और जीवन में हमें आराम प्रदान करे। कहते ये भगवत नाम करने से ये तीन चीज हमें प्राप्ति होगी, ये तीन चीज हमें मिलेगी। श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्री श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद। कलयुग में भगवान ये पंचरूप में हरि नाम कीर्तन किया है, इसको बाद में आप मेरे साथ साथ में ही बोलना। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मोती सर के का सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरि राम राम हरे 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 राम 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 हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माला पूरी हो गई ना पूरी हो गई ना सब की सब माला वापस दे दो कोई लेना नहीं अगर किसको जिसको इच्छा होगी हम लेने के लिए मैं कल दूंगा लेकिन सब माला वापस दे दो भले श्री वृंदावन बिहारी लाल की भले श्री गिरिराज महाराज की जय जय श्री हम थोड़ी सी गिरिराज की कथा सुन लेते हैं आप लोग कौन कौन गिरिराज गए हो हाथ उठाओ तो हाँ करी करी सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन गए हो कभी जो गिरिराज गोवर्धन है कभी ये जगत का कोई ये पर्वत नहीं है इनकी अलग अलग पुराण में अलग अलग कथा आती है कहते एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की जब तपस्या की भगवान बांके बिहारी जी की ठाकुर जी प्रसन्न हो गए बोले बताओ क्या चाहते हो क्यों इतने कठोर तपस्या की बोले प्रभु आपकी चरण की सेवा करने के लिए बोले बताओ किस रूप में तुम जन्म लेना चाहते हो बोले प्रभु अगर ब्रज में हम पहाड़ रूप में जन्म हो जाए आप हमारे सर को ऊपर में लीला करें हमारे जीवन धन्य हो जाएगा इसलिए स्वयं शंकर जी ये नंदीश्वर पर्वत रूप में प्रकट हुए नंद आप लोग नंदगांव गए हैं कौन कौन नंदगांव गए हो देखना नंदगांव को ऊपर में देखोगे वहां पर शंकर जी वो शंकर जी नंदीश्वर महादेव है वो पर्वत नहीं वो स्वयं शंकर जी ये पर्वत रूप में शंकर जी प्रकट हुए कहते ब्रह्मा जी ये बरसाना रूप में ये ब्रह्माचल पर्वत रूप में श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए आप लोग जो बरसाना गए होंगे देखे होंगे जब सीढ़ियों को पार हो जाओगे सीधा हाथ में देखना ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली है वहीं पर ब्रह्मा जी 60,000 साल तपस्या किए थे हम बरसाना में श्री पर्वत रूप में प्रकट हुए कहते गिरिराज गोवर्धन कौन है बोले ये भगवान विष्णु स्वयं ये गिरिराज गोवर्धन रूप में प्रकट हुए इसलिए गोवर्धन नहीं ये भगवान विष्णु है कहते गर्ग संहिता की कथा है ये गिरिराज कौन है बोले ये गिरिराज और कोई नहीं ये कृष्ण स्वयं ही
ये गिरिराज पर्वत रूप में आए। बोले आए कहाँ से? बोले एक समय गोलोक वृंदावन में से श्री राधा कृष्ण निकुंज में बैठे हुए थे और आपस में वार्तालाप कर रहे थे। ऐसे एक सुंदर स्थान हो जहाँ पर एक साथ में सारे फल, सारे फूल, सुंदर झरना, तालाब, सरोवर हो, जहाँ पर एक साथ में सारे ऋतु बहते हुए हो। तब श्री राधा रानी अपना हृदय से ये गिरिराज गोवर्धन को राधा रानी ने हृदय से प्रकट किया। इसलिए राधा रानी जैसे अत्यंत दयालु, अत्यंत करुणा श्री राधा रानी, ये गिरिराज भी बड़े दयालु। इसलिए कल हम सुन रहे थे ना, इसलिए इनका नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता। मतलब आप जो कुछ मांगो श्री गिरिराज गोवर्धन से। हमारे गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति ये गिरिराज परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 ठाकुर भी घूमते रहते हैं। इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, ये मेरे से क्या मांगेगा? इसलिए आप वहां पर गए होंगे, देखे होंगे जतिपुरा में, देखे होंगे दान घाट में, देखे होंगे मानस गंगा में, देखे होंगे दूध की जैसे झरना बह रही है। क्योंकि गिरिराज के पास में जो जो कुछ मांगते हैं, मनोदी करते हैं गिरिराज जी, सारी इच्छा को पूरी कर लेते हैं। और जिनकी इच्छा पूरी हो जाती है वो लोग गिरिराज में जाकर के गिरिराज की अभिषेक करते हैं। इसलिए इनका नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता। मतलब क्या? मतलब ऐसे कोई इच्छा नहीं जो गिरिराज हमारी इच्छाओं को पूरी नहीं करते हैं। सारी इच्छा को गिरिराज पूरी करते हैं। इसलिए एक दिन कृष्ण राधा रानी को बोले, बोले देखो राधे मेरे साथ में चलोगे? बोले कहाँ जाओगे? बोले ये मरते जगत में लीला करने के लिए। तब राधा रानी कहते मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर राधा कुंड श्याम जुम्मे नहीं, जहाँ पर यमुना पटनारी नहीं, मैं वहां जाना नहीं चाहता। तो कृष्ण बोले देखो राधे ये जो गोलोक वृंदावन देख रहे हो, ये जो यमुना नदी, गिरिराज गोवर्धन, जो कुछ देख रहे हो, जब मैं मरते जगत में जाऊंगा ये पूरा के पूरा मैंने उतार लूंगा। तब तक राधा रानी राजी हो गई, फिर तब मैं चलूंगी साथ में। इसलिए श्री गिरिराज गोवर्धन ये गोलोक वृंदावन से ये गिरिराज गोवर्धन स्वयं ये पर्वत रूप में इसी जगत में प्रकट हुए। जब प्रकट हुए सारे देवता प्रसन्न होकर के पुष्पों की बौछार की और श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने जयकार दी। बोले श्री गिरिराज महाराज की जयकार कोई नहीं दे रहे हो। जो जितने जोर से गिरिराज की जय देगा ना उसको उतना ही इच्छा पूरी होगी और गिरिराज जी उसको उतना ही जय देते हैं, उसका उतना ही प्रशंसा होता है, उसका उतना ही पाप घटती है। जोर से जयकार दो। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए जब गिरिराज जी प्रकट हुए सारे देवता लोग आकाश से जय जयकार करके गिरिराज गुरु ने जयकार दिया है। बोले भैया ये गिरिराज आए कैसे? इनकी दो कथा आती है। एक कथा आती है जिस समय भगवान राम लंका जाने के लिए पुल बांध रहे थे और बंदर को आदेश दिया बड़े बड़े पत्थर ले आओ और उसको ऊपर में नल और नील उसको स्पर्श करते थे और हनुमान जी उसको ऊपर में राम का नाम लिख करके जब पानी में छोड़ते थे वो पत्थर तैरता था। हनुमान जी ने देखा बड़े से बड़े पत्थर ले आओ, जल्दी जल्दी पुल बंध जाए और मैया सीता की उद्धार हो जाए। जब उन्हें सालमली द्वीप में हनुमान पहुंचे तो उन्हें श्री गिरिराज गोवर्धन को देखा। विशाल गिरिराज। कौन कौन गिरिराज गए हो? परिक्रमा लगाई ना, देखना 6-7 घंटा लगती है उसको परिक्रमा लगाने के लिए। इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन है। इतने में हनुमान जी जय श्री राम बोल करके पूरा का पूरा गिरिराज उन्होंने उठा लिया। उठा करके हनुमान जी आ रहे थे। आते समय अभी पुल बंधना कंप्लीट हो गया। भगवान राम बोले देखो बंदरों को बोल दो और पर्वत की जरूरत नहीं, पुल बंध गया। इतने में हनुमान जी गिरिराज गोवर्धन जहाँ वृंदावन में जहाँ पर वहीं पर रख दिए। लेकिन वो गिरिराज तो पर्वत है ही नहीं, वो तो गोलोक वृंदावन से भगवान की सेवा करने आए। इतने में उसने रोने लग गए। बोले हनुमान जी आप मेरे को इतने दूर से लाए हो और अगर थोड़ी दूर ले जाता है ना भगवान मेरे ऊपर चल करके जाते, मैया सीता भी आती
मैया सीता राम लक्ष्मण सब के सब चल करके जाते, कम से कम ठाकुर को सेवा में तो लगता। मेरे को तुमने यही रख दिया। हनुमान जी बोले कोई चिंता मत करो, यही राम ही ये कलयुग में श्याम बन करके आएंगे। अभी तो तुम्हें थोड़ी सी सेवा मिलता, लेकिन जब श्याम बन करके आएंगे तुमको 7 दिन तक तुमको गिरिराज के ऊपर उठाएंगे, सारे ब्रजवासी नीचे आश्रय लेंगे और कृष्ण गैया चराएंगे, जल विहार करेंगे, फल फूल खाएंगे, तेरे कुंजो कुंजो कंदरा कंदरा में लीला करेंगे। इसलिए कोई चिंता मत करो, द्वापर जो के लिए तुम इंतजार करो। कहते हैं कि ये एक कथा आती है, ये गिरिराज गोवर्धन कहाँ से किस रूप में यहाँ पर आए। बोले दूसरी कथा आती है, कहते एक पुलस्त नाम का गिरिसित है, ये जो जो गिरिराज गोवर्धन ये सालमल द्वीप में, इनकी माँ का नाम थी धरा, पिताजी का नाम था ध्रुव, इनकी पुत्र रूप में ये पहाड़ रूप में प्रकट हुए थे। एक दिन पुलस्त ऋषि वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनको पिता माता जी को बोले, मैं रहता हूँ काशी में, काशी में कोई सुंदर स्थान नहीं जहाँ पर साधु संत बैठ कर भजन करें, और ये गिरिराज में तो हर तरह का फल फूल लता झरना तालाब बड़े सुंदर, ये जंगल को ये गिरिराज को मैं ले जाना चाहता हूँ काशी। अभी उनको पिता माता को डर गए, अगर मना कर दूं तो ऋषि बिगड़ जाएंगे। बोले भैया हनुमान को पूछो, हनुमान ये गिरिराज को पूछो, गिरिराज भी डर गए, अगर मना कर दूं ऋषि अभिशाप दे देंगे। तब उन्होंने 2 शर्त रखा, बोले ये 2 शर्त पर जा सकता। बोले क्या शर्त? बोले पहला शर्त है बीच में जाते समय मेरे को उतारना नहीं, 1 शर्त है मैं चल करके नहीं, मेरे को उठा करके ले जाना पड़ेगा। अगर बीच में मेरे को रख लिया कहीं आप अपवित्र हो गए, मेरे को स्पर्श नहीं कर सकता, फिर मैं नहीं जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। वो ऋषि बड़े प्रभावशाली थे, उन्होंने 1 हाथ में उन्होंने गिरिराज उठा लिया और उठा करके जब चलते चलते जा रहे थे, अभी जहां पर गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर आए, गिरिराज जी ठाकुर जी से प्रार्थना किया। बोले ठाकुर जी मैं तो गोलोक वृंदावन से तेरे सेवा के लिए आया, और ये मेरे को कहां काशी जहां पर मरुभूमि है, जहां पर मायावादी ब्रह्मवादी रहते हैं, ये मेरे को कहां काशी फांसी देने ले जा रहा है, आपका चरण में हमें स्थान दे दो। इतने में भगवान माया को ऐसे की इतने जोर से लघु संख्या उसको लगी, उसने रोक नहीं पाए, बैठ तो घंटे तक लघु संख्या खत्म हुई। उसको बाद में जब हाथ पैर धो करके गिरिराज को उठाने के लिए गए, गिरिराज टस से मस नहीं हुए। बोले भैया उठो। बोले आपका सारे प्रतिज्ञा टूट गया, मेरे को बीच में उतार दिए, फिर लघु संख्या में बैठे, अपवित्र हो गए, मैं जाऊंगा नहीं, ऋषि अभिशाप दे दिए, हर पल पल में तुम खीण होते जाओगे, तिल तिल तुम खाए होते जाओगे। इसलिए गिरिराज पहले बहुत बड़े थे, अभी धीरे 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 जब घोर कलयुग आएगा, भगवान के नाम कोई करेगा नहीं, कहती ये गंगा भी खत्म हो जाएगी, ये जमुना भी सूख जाएगी, ये गिरिराज गोवर्धन भी धीरे 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 अंतर्ध्यान, फिर तो मार मार पीट पीट खा घोर कलयुग आएगा। इसलिए भैया जितने जल्दी होना भगवान के भजन करो और ठाकुर के पास में चले जाओ। अगर 2 बार अगर संसार में जन्म हुआ ना, फिर तो बड़ा भयानक स्वरूप आप देखोगे। आपको पता होगा कलयुग कितने जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, बच्चे किसकी बात नहीं सुनते हैं, पति पत्नी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, अगर 2 बार आओगे ना अंगार बरसते हुए देखोगे। इसलिए जितने जल्दी हो भजन करो और ठाकुर के पास में चले जाओ, जहाँ जाने से 2 बार फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा भगवान कहते हैं। इसलिए गिरिराज खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, जगत में पाप ही पाप कर्म करने लग जाएंगे, हैं भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगी। इसलिए कहती है ये 2 कथाएं, कहती है गिरिराज गोवर्धन कैसे यहाँ पर आए। एक दिन मैया जसोदा घर में बड़े सुंदर पकवान बना रही थी, मालपुआ लड्डू कचौड़ी, इतने में कृष्ण गए। बोले मैया मैया क्या बात है, क्या मेरी जन्मतिथि है, तुम इतने बढ़िया बढ़िया खाना क्यों बना रहे हो। बोले जा बाबा को पूछो। कृष्ण चले गए, नंद बाबा का गोद में बैठे गए। बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ। बोले लाला हम इंद्र पूजा करेंगे। कृष्ण बोले पिताजी इंद्र कौन होता है। बोले ये स्वर्ग का राजा है, हम लोग ग्वाला है ना, हमारे मूल धन गाय है गैया है, और इनके आदेश पर टाइम पर बरसात होती है, बरसात होने पर घास उगती है,
गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, इससे दही मक्खन जो कुछ मीठा सब दूध से बनता है। इसलिए हम श्री ये हमारी ब्रज की साक्षात देवता, ये मेघ आकर के टकराता है गिरिराज गोवर्धन में, आकर टकराता है, टकराते हुए ये बारिश होती है। बोले पिताजी ये जो इंद्र है वो एक आधिकारिक देवता, इसकी गांठ में कुछ है नहीं, जब आप इनको प्रार्थना करो ये फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं, अगर भगवान के आदेश हो फिर ये इंद्र कहीं बारिश करता है। इसलिए पिताजी ये गिरिराज गोवर्धन से फल फूल सब जो कुछ गिरिराज से हमें प्राप्त होता है, ये हमारी साक्षात प्रकट देवता श्री गिरिराज गोवर्धन ही। इसलिए बोले पिताजी कब से इंद्र पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आए। बोले जब इंद्र को भोग लगा तो देखे कभी? बोले नहीं। बोले पिताजी अगर आप गिरिराज की पूजा करोगे, आप स्वयं इन्हीं आंखों से देखोगे, साक्षात भगवत दर्शन करोगे, ये गिरिराज स्वयं प्रकट होकर के आपको दर्शन देंगे, आप उनसे जो कुछ मांगोगे देखोगे साक्षात रूप में आपको वरदान देंगे। इसलिए देखो कृष्ण जो कह रहे हैं ना, ये जो लज्जिक दे रहे हैं इंद्र क्या देखा है, इसका मतलब जिसको देखा नहीं क्या पूजा नहीं करेंगे? पूजा करेंगे, लेकिन वो इंद्र पूजा को खंडन करके वो कृष्ण पूजा को स्थापन करने के लिए, ये गिरिराज की पूजा को करवाने के लिए लज्जिक दे रहे हैं। लेकिन तत्व तो ये नहीं जो जो जिसको देखे नहीं उसको पूजा ही नहीं करे, इसका मतलब ये नहीं है, वो गिरिराज पूजा को स्थापन करना चाहते हैं। इसलिए बोले पिताजी ये गिरिराज ऐसे के देवता हैं, आप जो कुछ गिरिराज से मांगोगे, जिनके धन नहीं उन्हें धन प्रदान करते हैं, जो रोगी उसको निरोग प्रदान करते हैं, जो कामना वासना ले करते हैं उसकी सारे कामना वासना को ही गिरिराज पूजा करते हैं। इसलिए पिताजी ये गिरिराज की जो अन्नकूट है इसने अगर एक अन्न की दाना किसने भोग लगा दी, पिताजी पूजा करेंगे। बोले जाओ ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो और जितने ब्रजवासी सब के सब बोले गिरिराज का दर्शन मिलेगा, हमारी सब इच्छाओं को पूरी होगी। फिर तो ब्रजवासियों ने कहते चार तरह का तो चावल बनाए, एक फीका चावल, एक मीठा चावल, एक मटर पनीर और एक नमकीन देके चावल। इसलिए दो तरह का कढ़ी बनाए, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। राड कढ़ी बगैर पकौड़ों के जो बनाते हैं और सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डाल करके बनाते हैं। दो तरह का चूरमा बनाए, एक हंसना और एक रोना। हंसना मतलब पतलंग रखते जो खिल जाए, रोना मतलब जिससे घी टपकता है। और इतने सामान वहाँ बनाए, अभी भी ब्रज में 365 गांव अभी भी है, तरली बरली सही ऊंचा गांव नीचा गांव अभी भी ब्रज में 65 गांव, उस समय भी 365 गांव था। इतने खाना वहां पर लाए, उसका नाम हो गया अन्नकूट। अन्न मतलब अन्न, कूट मतलब होता है पर्वत, क्योंकि 365 गांव से लाए, पर्वत पर्वत आकार में हो गए। कृष्ण अपना हाथों से अभिषेक स्वयं किया, अभिषेक करते हुए यहाँ भोग लगाया, मंत्र पढ़ के भोग लगाया, भोग लगा दिया ना, जो कुछ लाए थे उसको ऊपर में तुलसी दल रख दिए और कृष्ण गिरिराज को उन्होंने आह्वान किया, आसन दिया, पुष्पांजलि दिए, पाद्य देकर के जब गिरिराज को बुलाया, सचमुच से गिरिराज स्वयं विशाल रूप लेकर के दर्शन दिए। हम लोग गिरिराज गए होंगे, जब पहला गाँव आएगा उसका नाम आनर गाँव, क्योंकि गिरिराज पूजा वहीं पर हुई थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ ग्रहण किए और बोले आनोरे आनोरे और लाओ और लाओ, इसलिए वो गांव का नाम आनोर गांव, क्योंकि उन्होंने बोलते और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले प्रभु आप इसी में ही संतुष्ट हो जाओ। गिरिराज जी संतुष्ट हो गए, सबको आशीर्वाद दिया, बोले जिसकी मन में जो कुछ इच्छा मेरे से मांग लो। आपकी मन में जो कुछ इच्छा सामने ठाकुर जी है, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ठाकुर सब इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी करते हैं। देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे ये संसार का इच्छा तो अपने आप गिरिराज पूरी कर देते हैं, लेकिन उनसे एक चीज विशेष करके मांगो, उनकी सेवा और उनकी भक्ति मांगो, सुखी और उसी जीवन में भी सुखी रहेंगे। इसलिए भगवान की सेवा और उनको प्रेम की प्रार्थना करनी चाहिए। बस गिरिराज महाराज की। इतने में कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों चकाचक भोजन करो।
चलो हम सबके सब कीर्तन करते सिर्फ गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा में सबसे पहले कौन चल रहे थे? जितने वैष्णव साधु और ब्राह्मण चल रहे थे, बोले उनको अगर कृष्ण आ करके मेरे को स्पर्श थोड़ा करे ना, फिर मैं समझूंगी कृष्ण मेरी मन की भावना समझते हैं। अभी कृष्ण तो राधा जी की मन की भावना समझ गए। बोले क्यों? वो दो थोड़ी है, वो एक ही है। केवल लीला करने के लिए वो दो हुए हैं। अभी कृष्ण सोच रहे हैं राधा रानी सबसे पीछे, अभी मैं बीच में, अभी राधा रानी को स्पर्श कैसे करूं? इतने में कृष्ण ने क्या किया, एक बछड़े का मुंह पीछे कर दिए और उसका पूंछ को ऐंठ दिया। ऐंठ दिया तो वो बछड़ा फुदकते हुए एकदम पीछे पहुंच गया और कृष्ण बछड़ा का बहाना बनाकर पीछे गए और राधा रानी को स्पर्श कर दिया और राधा रानी का हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया। श्याम सुंदर मेरी मन की भावना समझ गए और थोड़ी दूर गए। अभी राधा रानी सोच रही है कृष्ण किया मेरे को दर्शन भी देगा थोड़ी सी। अभी कृष्ण दर्शन दे के इसे, इतने में कृष्ण का जो गैया चराने वाले जो लकुटी उन्होंने ऐसे जोर से फेंक करके जब उसको पकड़ने के लिए गए, राधा रानी पीछे कृष्ण बीच में, फिर दोनों का आंख मिल करके एक हो गया। ऐसे ही करते करते कृष्ण गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने ये परिक्रमा लगाए। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जय श्री राम। अभी प्रभु जी बड़े सुंदर गिरिराज के भजन गाएंगे और आप लोग सबके सब गिरिराज के भजन में नृत्य करना, क्योंकि गिरिराज के भजन में जो नृत्य करेगा ना उसका सारे दुख दूर हो जाता है, सारे पाप दूर हो जाती है, उनको सारी इच्छा पूरी होती है। और देखो कल है समाप्त नहीं, कथा कभी समाप्त नहीं होता है, कल कथा के विश्राम का दिन है। और जो कल की जो कथा सबसे महत्वपूर्ण कथा है, क्योंकि जो व्यक्ति सात दिन तक सुने नहीं, किसने बीच में आए, अगर कल की कथा सुन ले तो उसको सात दिन कथा सुनने की फल उसको एक दिन में मिल जाती है। इसलिए कल का कथा सबसे महत्वपूर्ण, भगवान की रास होगी, कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी, सुदामा चरित्र। अगर कोई कोई साड़ी देते हैं कृष्ण रुक्मिणी की, अगर आपने कोई अच्छी साड़ी दोगे ना, फिर हम वृंदावन में हमारे मंदिर में श्री राधा रानी है, अगर कोई आपसे अच्छी साड़ी दोगे फिर तो हम वो साड़ी लेकर के श्री राधा रानी को वो साड़ी पहनाएंगे, वहाँ पर वृंदा देवी है वो साड़ी उनको पहनाएंगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री आप सबके सब खड़े हो जाओ। अभी प्रभु जी गिरिराज गोवर्धन की भजन सुनाएंगे। Thank you.
I'm